मिश्रा जी आप ठीक हैं? बिल्कुल लाइट वगैरह ठीक है? थैंक यस यस एकदम 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 फाइन मैम। यू वेरी मच, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपको तो आज संजीवनी बूटी लेके आना पड़ गया हमारे लिए। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू मैम। मैं ज्यादा देर नहीं करती मिश्रा जी, अपना शो स्टार्ट करते हैं। मैं इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ अपने व्यूवर्स को। मेरा सबसे पहला सवाल यही है, आपको आज का सब्जेक्ट तो पता ही है कि किसकी होगी हार किसकी होगी जीत, वेस्ट बंगाल इलेक्शन पे हमारा आज का शो है। मेरा पहला सवाल है, वेस्ट बंगाल इलेक्शन में आपको क्या लगता है बीजेपी का जनाधार किस तरह से रहेगा, और जो हैवी परसेंटेज में जो मतदान हो रहा है इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए मैम, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में जाया जाए, लगभग पिछले 4-5 सालों से किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन अंदर अंदर जो वेव चल रही थी, बीजेपी ने मेहनत शुरू की। बीजेपी के 2-3 स्टेट ऐसे हैं जो कि स्ट्रेटेजिक वे में उनके लिए रियली जो है टिपिकल थे। जैसे कुंभलगढ़ का जो किला है ना, उसको जीतना असंभव था। साउथ जी में एक केरल था और इधर बंगाल था। बंगाल उनको स्ट्रेटेजिक वे में बहुत जरूरी था, क्योंकि आरएसएस के एक बहुत बड़े जो है संस्थापक सदस्य में एक वहां से आते थे, और उसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष की आइडियोलॉजी बंगाल से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। स्वामी विवेकानंद वगैरह, ये इंटरनेशनल बॉर्डर वहां से पड़ता है, तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा होता है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लगभग लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन चुपके चुपके बीजेपी ने 5-6 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी, जिसका रिजल्ट ये रहा कि लगातार वो कुछ ना कुछ वहां गेन करते गए। दिस इज वन थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ममता दीदी वहां की बहुत ही जो है, मतलब एक बहुत फेमस पर्सनालिटी जरूर है, और उन्होंने भी इस चुनौती को स्वीकार किया, और ये सोच करके कि हमें अपनी जीत को दोहराना है। मतलब 2 बार तो ऑलरेडी रह गए, तीसरी बार भी उनको मेंटेन रखना है। अब देखिए, हम कुछ डायनामिक्स की बात करेंगे, हम ये बात नहीं करेंगे कि कौन क्या है, कम्युनल है, सेकुलर है, क्या है, हम नहीं करेंगे। चुनाव को एक इवेंट माना जाए, इवेंट मतलब एक घटना माना जाए, और किसी भी घटना को मैनेज करने की क्षमता जिसके अंदर होती है वो जीतता है। अब देखिए, अच्छा हो या बुरा हो वो बात एक दूसरी है, हम निर्विकार भाव से इसकी जो है समीक्षा करेंगे। जैसे कई बार बहुत, मतलब बाई नेचर बड़े क्रूयल राजा होते थे, लेकिन वो भी युद्ध जीत जाते थे। उसका रीजन ये था कि उस युद्ध को मैनेज करने की दक्षता उनके अंदर बड़ी अच्छी होती थी, उस चैलेंज को मैनेज करने की एक्सपर्टाइज होती थी। तो पहली चीज मैं ये देखता हूं कि जो डिफरेंस है टीएमसी और बीजेपी में, नो डाउट टीएमसी टक्कर बहुत जबरदस्त देगी, लेकिन बीजेपी के पास नेशनल लेवल की पार्टी है, इनके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट, इन्होंने क्लासिफिकेशन अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन ऑफ लेबर और ये सब चीज ऐसी की हुई है कि हर चीज के एक्सपर्ट लोग, एक्सपर्ट डिपार्टमेंट बना हुआ है। जैसे मीडिया मैनेजमेंट के लिए अलग से एक टीम है, हिस्ट्री की रिसर्च के लिए अलग से टीम है, क्या मुद्दे उठाने हैं अलग से टीम है, रिसर्च के लिए अलग से टीम है, किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस लगातार जो है रिसर्च करवाती रहती है हर 3 महीने 6 महीने पे, कि लोगों का वो मतलब सेंटिमेंट क्या है। अच्छा, अब उसके बाद आप देखिए, बीजेपी ने जब कैंपेन शुरू किया, इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर भी नहीं किया था, टीएमसी की कुछ गलतियां, पहली गलती वहीं पे शुरू हो गई थी जब ममता दीदी ने जो है जय श्री राम के नारे कुछ लोग सड़क पे लगा रहे थे, तो उतर करके उन्होंने डांटना शुरू किया। ये हिंदू जो एक बहुसंख्यक अभी भी है वहां पे, एक मेजोरिटी के साथ, सेंटिमेंट के साथ उन्होंने बहुत गड़बड़ कर दिया, बहुत गलत स्टेप उनका चला गया। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, टीएमसी ने भी इन चुनौतियों को समझते हुए प्रशांत किशोर जैसे दिग्गज कंसल्टेंट को हायर किया। ये चीज अच्छी है, मैं किसी को पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन जो उनके कंसल्टेंट रहे हैं उनकी सबसे बड़ी गलती क्या रही कि टीएमसी के जो पिलर हैं उनके आते ही वो टीएमसी छोड़ छोड़ के भागने लगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप कंसल्टेंट हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि दूसरे लोगों को कमजोर करिए, यानी आपकी जो अपोजिशन की पार्टी है जिससे आपका डायरेक्ट जो है मतलब युद्ध होने वाला है, डायरेक्ट आपका कंपटीशन होने वाला है, जो आपके लिए चैलेंजर है, बीजेपी चैलेंजर है यहाँ पे, टीएमसी अभी तक लीडर बनी हुई है, चूंकि वो
ये हुआ नहीं। जिस दिन से बीजेपी के कद्दावर नेता टूट टूट के जाने लगे, शुभेंदु वगैरह जो कि शुरू से वहां पे जुड़े हुए थे, अब शुभेंदु अधिकारी जैसा एक कद्दावर नेता अगर टूट के गया तो 10 टाइम्स ज्यादा उसका नुकसान होता है। उनके पास ऑलरेडी 8-10 विधायक उनकी टीम में रहते हैं, वो अकेले विधायक नहीं है और एक बहुत बड़े एरिया के वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। पब्लिक की साइकोलॉजी इंक्लाइन होनी शुरू हो जाती है कि भाई अब की बार तो हालत खराब है टीएमसी की। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों पार्टियों की स्ट्रेटजी देखिए। पिछली बार ममता ममता जीती थी, आपकी स्ट्रेटजी एक कॉन्सेप्ट है, किस, KISS, किस कॉन्सेप्ट, मतलब कीप इट स्मॉल एंड स्मार्ट। कहने का मतलब, ममता दीदी का जो पिछली बार का कॉन्सेप्ट था, जो नैरेटिव था, वो माटी और मानुष, माँ माटी मानुष वाला, वो एक लाइन का टैगलाइन इतना इफेक्टिव था कि सारी आइडियोलॉजी को एकदम वोटर्स के सामने क्लियर कर दिया, वोटर के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। अच्छा, अब की बार टीएमसी की जो स्ट्रेटेजिक आइडियोलॉजी है पूरे चुनाव को मैनेज करने की, वो बड़ी कंफ्यूज है। देखिए, बीजेपी की एक होशियारी समझिए, इतने खूबसूरत तरीके से ये अपने जाल में, अपने बुने हुए जाल में अपने विपक्ष को फांसती है। बीजेपी ने ऐसा जाल बिछाया, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, कुछ इस तरीके से कैंपेनिंग की कि टीएमसी बौखला टाइप की गई, इसीलिए उनके मुद्दे बदलते रहे और भटकते रहे। और कभी भी चुनाव में एक गलती नहीं करना चाहिए कि आपका प्रतिद्वंदी आपको जिस मुद्दे पे लाना चाहता है, आप उस मुद्दे पे आ गए। जैसे जय श्री राम के नारे लगे तो उसी मुद्दे को जवाब देने के लिए टीएमसी जय मां काली पे आ गई। ये टीएमसी को नहीं करना चाहिए था, आपके मुद्दे अपने ओरिजिनल होने चाहिए। अगर आप हर मुद्दों पे ऐसे ही करने लगे कि जवाब देने लगे विपक्ष के या आपका जो प्रतिद्वंदी है, इसका मतलब है कि आप उनके जाल में फंसते चले जा रहे हो और आपका स्कोप जो है बहुत कम हो जाता है। टीएमसी की ये सबसे बड़ी गलती रही कि बीजेपी ने सीरियल वे में 3 से लेकर 5 बार से ज्यादा टीएमसी को अपने घेरे में ले लिया और जो बीजेपी चाहती थी उसी मुद्दे पे वो केवल जवाब देने लगी। वो अटैकिंग नहीं हुई, वो केवल कन्विंस करने लगी, अपने आप को बताने लगी कि हमारे पास भी अल्टरनेट है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, होना ये चाहिए था आपका मुद्दा नेचुरल हो, आपका नैरेटिव नेचुरल हो, ऐसा नहीं कि किसी से कॉपी किया हुआ हो या किसी के थ्रू जब आपको स्टिमुलस मिले तो आप रिएक्टिव हो जाए। ये कुछ ऐसे रीजन है। उसके बाद जब ग्राउंड लेवल की बात शुरू होती है, आप देखिए टीवी वगैरह में जो आपको खबरें आती थी, बीजेपी के पास वर्कर्स बहुत ज्यादा हैं ऑल ओवर इंडिया से, वो बूथ बूथ मैनेजमेंट करने के लिए जो एक्सपर्ट होते हैं, इनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि इनके बूथ मैनेजर वगैरह भी, इन कंपैरिजन ऑफ टीएमसी अगर देखा जाए तो उनकी एक्सपर्टाइज ज्यादा है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप सत्ता में होते हैं, जैसे बीजेपी इस वक्त सत्ता में है, आपकी पावर कई जो है गुना बढ़ जाती है। अब उसका कारण देखिए, इलेक्शन कमीशन ने, मैं ये नहीं बोलता हूं किसी पार्टी ने किसी संस्था को इन्फ्लुएंस किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 8 चरणों में अब की बार बांट दिया, फिर यहां टीएमसी फंस गई। भाई आप 8 चरण में चुनाव हो, चाहे 16 चरण में हो, चाहे 1 चरण में, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को क्यों दिखाते हैं? आप परफॉर्म करिए ना। आपका एग्जाम का पेपर जो है, चाहे 3 घंटे में हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो, आप एग्जामिनर को ये थोड़ी बोलिए कि ऑब्जेक्टिव क्यों दे दिया, पैटर्न क्यों चेंज कर दिया। अगर आपके अंदर एलिजिबिलिटी है तो आप हर पैटर्न को मैनेज करने जाएंगे। बीजेपी यहाँ पे भी बौखला गई, लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा? जो मेरा मानना है, लगभग 5 से 7% की वोट वोट की वहां पे रिगिंग होती थी। रिगिंग होने का मतलब ये है फर्जी वोट पड़ना, जबरदस्ती वोट पड़ना, पिछले चुनाव में जैसे आती थी। 8 चरणों में बांटने का मतलब ये है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इतना स्ट्रिक्ट अब की बार वहां पे इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। आप देखिए, दो दो हेलीकॉप्टर दिए गए हैं अब की बार, पहली बार ऐसा हुआ है। वहां पे जो पुलिस के हेड थे, सुरक्षा के हेड थे, दोनों को बदल दिया गया, एक की जगह दो दो लोगों को लगाया गया। अभी जो ये नेक्स्ट फेज में आज वोटिंग हुई है, इसके लिए स्पेशल प्रबंध किए गए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब की बार शासन प्रशासन इतना सख्त है कि मैं इसको भी क्लेम नहीं करता हूं, लेकिन अगर ये माना जाए कि थोड़ा बहुत हेरा फेरी जो चुनाव में होती थी और जिसके कारण हार और जीत का पासा जो है पलट जाता था, वो अब की बार होने वाला नहीं है। तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं, ऐसा लग रहा है ना, जैसे कि टीएमसी, नो डाउट वो बहुत मजबूत वो भी थे, लेकिन थोड़ा सा सूझबूझ से काम लिया होता, पेशेंस से काम लिया होता,
तो बहुत कड़ी टक्कर ये देते और बहुत मतलब बीजेपी को हाशिए पे ला सकते थे, लेकिन माइक्रो लेवल की एक्सपर्टाइज और जो मैनेजमेंट होता है इलेक्शन का जो है एज ए टास्क की तरह, एज ए वॉर की तरह, वहां पे टीएमसी ने कई गलतियां कर दी हैं, जिसके कारण मुझे पड़ना जो है बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकता दिखाई दे रहा है। टोटल ये बोला जाए, देखिए कंक्लूजन क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। बीजेपी सरकार बनाएगी एनी हाउ, बाई हुक और बाई क्रुक। हाँ, कंडीशन एक ये होगी कि हो सकता है बीजेपी को बॉर्डर लाइन से वो विक्ट्री पा जाए, मतलब जितना चाहिए उससे 5-10 ज्यादा हो जाए तो वहां पे भी वो बना लेगी, क्योंकि बीजेपी अंदर से बड़ी मजबूत है। अगर वो 2-4 सीट भी ज्यादा पा गई तो एक भी उनका विधायक टूटने वाला नहीं है, ये मान के रखिए। उसके पीछे कारण है, कोई भी विधायक क्यों छोड़ेगा जो नेशनल लेवल की पार्टी है। और जो देखिए एक खास बात यह है कि बीजेपी में लोग जल्दी रूठते नहीं है, छोड़ के पार्टी जाते नहीं है, उसके पीछे कारण है बीजेपी के पास बहुत ऑप्शन है। अगर मान लीजिए किसी को टिकट नहीं मिला जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वहां से, उसकी नाराजगी रहेगी, लेकिन बीजेपी उसको एमएलसी के थ्रू या राष्ट्र में कहीं और उनको कोई ना कोई पॉलिटिकल जो है पद दिला देती है, इंगेज कर लेती है, या तो आरएसएस में इंगेज कर लेगी या अपने उसमें जो है पॉलिटिकल उसमें कर लेगी। टीएमसी के पास ये ऑप्शन नहीं था। टीएमसी चूंकि एक ये नेचुरल लिमिटेशन है, आप स्टेट लेवल के हैं तो आप बाहर कुछ कर नहीं पाएंगे। जो दिग्गज और कद्दावर नेता थे उनके छोड़ के जाने का मतलब हुआ कहीं ना कहीं उनको भी ये लग रहा था, हम अपनी बात छोड़िए, आपकी बात छोड़िए, जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हुए हैं और रिसर्च एजेंसी बैठी है उनकी भी बात छोड़िए, सवाल ये है जो जमीन पे वहां पे जुड़ा है, जिन्होंने टीएमसी को दो दो बार वहां पे जीत दिलाई, एक मामूली पार्टी से पूरे स्टेट का जो है पार्टी बना दिया, उन लोगों की ऑब्जर्वेशन तो बहुत स्ट्रांग है ना। वो इतने जल्दी मैम कोई छोड़ करके नहीं जाता है, और वो भी इस्टेब्लिश्ड लीडर जो मंत्री और मिनिस्टर हैं करंट सत्ता में, इतना बड़ा रिस्क वो बिना सोचे समझे नहीं लेते हैं। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। तीसरा ऑप्शन ये होगा कि बीजेपी जो है थोड़ा बहुत कम से पाए, अगर वो थोड़ा बहुत कम से पाते हैं, मान लीजिए जितनी सीट चाहिए उससे 10 सीट, 20 सीट, 25 सीट कम आती है, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा? बीजेपी की 3 लेयर की रणनीति होती है, ये विपक्ष के लोग समझ नहीं पाते हैं। पहला, मान लीजिए 20-25 सीट कम पाई, होगा क्या? शुभेंदु अधिकारी और जो 10-5 बड़े कद्दावर नेता गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो इस ऑप्शन पे सोच नहीं रहे हैं, इस ऑप्शन को भी उन्होंने सोच के रखा है कि अगर हमारी 2, 4, 6, 10, 20 सीट कम आएगी तो कैसे लोगों को अपने तरफ मिलाया जाएगा, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल लीडर तो है ही, उनके टच में जीतने वाले भी, टीएमसी की तरफ से जीतने वाले भी कई कैंडिडेट हो सकते हैं, कि अंदर ही अंदर उनके, जैसा कर्नाटक वगैरह में हुआ था आपने देखा, ये सही है या गलत है, असंवैधानिक है असंवैधानिक है, मैं इस पे कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्योर एक जो है चुनाव को रणनीतिक तरीके से देख रहा हूं। तीसरी चीज ये है कि जो बीजेपी क्लेम कर रही है कि 200+ अगर हम लाएंगे, इस चीज के भी चांसेस मुझे बहुत ज्यादा लगते हैं। उसके पीछे कारण ये है, अगर आप क्राउड की डायनामिक्स देखिए, जिस हिसाब से भीड़ उभरी है, उनके पॉलिटिकल काइनेसिस को देखिए, आप वहां भले मत जाइए लेकिन आप टीवी पे ही देखते रहिए, वो चाहे कैसे भी हो, ठीक है लोग बोल सकते हैं कि बीजेपी ने मैनेज किया भीड़ को, अरे उसको भी तो करने के लिए आपको एक्सपर्टाइज चाहिए ना। अगर बीजेपी कर सकती है बाहर से आई हुई पार्टी, तो आप वहां सत्ता में रहते हुए क्यों नहीं मैनेज कर पा रही है, यानी ये आपकी कमजोरी है। तो इसीलिए मैंने बोला कि पड़ना बीजेपी की तरफ भारी है, पहली चीज। एक इंपॉर्टेंट चीज और देखिए, बीजेपी के फेवर के जितने ज्यादा, यानी कि अगर लोग बोल रहे थे कि वोटों का पोलराइजेशन शुरू हो गया है, पोलराइजेशन सभी करते हैं, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, ममता बनर्जी ने भी किया। बीजेपी ने जो टारगेटेड एरिया अपना लिया था जहां उनको परफॉर्म करना था, वो सारे चुनाव हो गए, अब जो चुनाव बचे हुए हैं वो टीएमसी वाले हैं। अच्छा, अब कुछ भाग्य भी किसी का साथ देता है, अब जब टीएमसी वाले एरिया में जो, जैसे आज जहां वोटिंग शुरू हुई तो कोरोना बहुत विकराल रूप से आ गया, इसका भी असर पड़ेगा, बहुत सारे लोग हो सकता है यह चाहते हुए भी कि हमें वोट देना है वो ना निकले घर से, भगवान ना करे कोई बीमार पड़े, कोई भी वोटर किसी भी जाति का हो, मैं सबके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, लेकिन मे बी पॉसिबल कि कुछ लोग बीमार भी पड़ जाए, मतलब वोटिंग जो है कुछ ना कुछ जो है वहां पे, चाहे पॉइंट में ही, पॉइंट के परसेंटेज में ही क्यों ना आए, कुछ कम होगा। ये कुछ ऐसे लॉजिक है जिसपे क्लियर कट ये बोला जाता है कि इन कंपेरिजन ऑफ लास्ट टाइम्स बीजेपी बहुत पावरफुल जो है वहां पे अपना रिजल्ट या प्रदर्शन करने वाली है। मिश्रा जी, आपने बहुत सही कहा कि एक तो बीजेपी में कोई भी नेता नाराज नहीं होता है, अटल
अडवाणी जी हमारे सामने इस चीज का एग्जाम्पल है, भले ही वो नाराज हो सालों से, लेकिन उन्होंने आज तक ना तो पार्टी छोड़ी, जिस तरह का एक सिस्टम है हमारे राजनीतिक उसमें कि जब आपसी जब मतभेद होते हैं तो तुरंत बगावत अलग पार्टी बना ली बगावत नहीं जाती है। कर सकते हैं जी जी, बगावत बगावत नहीं नहीं कर की सकते। भी नहीं है उन्होंने। दूसरा आपने कहा कि माँ माटी मानुष, जिस तरह से दीदी से जुड़ी हुई है ममता दीदी, और उन्होंने अब इसमें काली माँ ऐड किया है एक तरह से, हालांकि सब्जेक्ट उनका अभी भी वही है कि जिस तरह से भी बरगलाना है वोटर्स को। तीसरी चीज आपने जो कही कि बीजेपी में एक मंथन होता है, मंथन तो सालों से कांग्रेस में भी होता रहा है मिश्रा जी, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस की आज क्या स्थिति है इस पर? देखिए कांग्रेस तो ऑलरेडी नदारद रही है, और नेशनल जी लेवल पे भी और बंगाल के इलेक्शन में भी देखा जाए, वहां पे ज्यादातर टीएमसी के पहले देखा जाए तो वामपंथियों का रहा है। कांग्रेस कोई इतना महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगता है कि हम उसके बारे पे डिस्कस करें। मुझे आश्चर्य इस चीज का होता है कि वामपंथी दलों ने जो 30 साल तक जिन्होंने राज किया, अगर वो साफ हो गए हैं, वो एकदम शांत बैठ गए हैं, कहीं कैंपेनिंग नहीं दिख रही है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, तो कांग्रेस तो ऑलरेडी कांग्रेस ने वहां पे सरेंडर किया हुआ है। आप देखिए कोई बड़ा लीडर नहीं गया वहां पे जब कोरोना वगैरह नहीं था, यानी शुरुआती दिनों में ना, यहाँ से भी दिल्ली से भी कोई ऐसा जो है पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए स्पीच दिया गया या कोई इफर्ट दिया गया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो चाहे प्रिंट मीडिया पे। हाँ थोड़े बहुत कांग्रेस के जो लोकल प्रवक्ता हैं, पता चला यूपी से कोई प्रवक्ता बैठ गया बंगाल के डिबेट बंगाल चुनाव पे डिबेट के लिए, कोई हरियाणा से बैठ गया, तो इस तरीके से तो बोला ही जाएगा कि भाई आप चुनाव में खुद जानबूझ करके आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे क्लेम करेंगे कि कितनी सीटें आएंगी, एक्सेप्ट आप मुंह बजा करके डिबेट वगैरह में आप अपने मुंह को लाल कर लीजिए, क्योंकि टीवी पे आने का मौका मिल रहा है, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है। तो जब तक लेकिन इलेक्शन मिश्रा का जी, रिजल्ट राहुल नहीं गांधी आता। ने अभी कल ही ट्वीट किया, आपने भी पढ़ा होगा, कि मैं बंगाल की, वेस्ट बंगाल की अपनी रैलियों को कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि कोरोना वहां बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार भी इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सारी रैली वहां पे कैंसिल करे। साथ ही ममता बनर्जी का भी ट्वीट आया, उनका भी बयान आया कि मेरी जो रैलीज होंगी वो कम से कम होंगी 30 मिनट, से ज्यादा नहीं होंगी, और 26 की शायद उन्होंने एक बड़ी रैली अपनी रखी है, बाकी सारी कैंसिल कर दी है। तो फिर ये क्या ट्वीट वॉर ही चलेगी क्या? अब राहुल गांधी वहां गए तो है नहीं, लेकिन ट्वीट तो उन्होंने किया कि मैं आने वाले टाइम की अपनी रैलियां कैंसिल कर रहा हूँ। हाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है ना, हम लोगों के यहाँ एक कहावत है, बच्चे जब हम लोग थे तब बोलते थे भाई रोज पढ़ो, 2 घंटे ही पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। अब ठीक है आप करिए मत करिए, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोगों का अपना है, लेकिन इसका असर अब इन लोगों को दिखना पड़ रहा है। अब जब आप मेहनत करना चाहते हैं तो कोरोना के कारण आपको मौका नहीं मिल रहा है, एग्जाम के पहले दिन सुबह पढ़ के आप क्या उखाड़ लेंगे। यही चीज बीजेपी ने, जो मैंने बोला स्ट्रेटजी, कि पिछले 3 सालों से वो ग्राउंड पे धीरे धीरे रोज मेहनत कर रहे हैं। अब रैली हो या ना हो, बीजेपी ने ऑलरेडी वहां पे इतना काम कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के वर्कर्स के द्वारा, कि अब तो वो जो धार मुड़नी थी, जो लहर मुड़नी थी, वो मुड़ चुकी है, नदी की धार जो मुड़नी थी वो मुड़ चुकी है। अब आप त्याग दिखाइए, अब बोलने को मेरे पास भी बहुत है, ठीक है जिस हिसाब से नेताओं ने ये कैंसिल कर दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मैं बोलूंगा, वहां की यात्रा आपने क्यों नहीं कैंसिल कर दी, उस जगह की यात्रा आप कैंसिल कर दीजिए, देश में एक कोई जरूरी घटना हो रही थी, दुखद घटनाएं हो रही थी, तब तो आप फलाने देश के टूर पे थे, तब आपने कैंसिल नहीं किया। तो वो सब चीजें ठीक है, वो पॉजिटिव है निगेटिव है, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि आपने सही किया या गलत किया, किसी को कोई दोष नहीं देता हूँ, लेकिन अगर मैं फोकस इस चीज पे रहूं कि परिस्थितियां कुछ भी रहे उसमें भी तो लोग जीतेंगे ना। देखिए मेरिट कम या ज्यादा जाती है, लेकिन बच्चे फेल और पास तो होते ही है ना, टॉपर तो फिर भी कोई ना कोई एक होता है ना, चाहे 80% पे टॉप करे चाहे 50% पे टॉप करे, तो वो चीजें अब हाथ से निकल गई हैं, और वो डैमेज कंट्रोल भी नहीं होगा। देखिए अब पब्लिक भी उस चीज को अपोजिट वे में ले रही है कि भाई आपसे हुआ नहीं तो आपको अब एक बहाना अच्छा मिल गया है, यही एक खास चीज है। गलत है सही है क्या है बीजेपी का मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस शिद्दत से ये लोग अपने काम में लगते हैं, मैं लगातार बोलता हूं कि पॉलिटिक्स बहुत कॉम्पिटिटिव चीज है, आप हार गए हैं तब भी आपको 5 साल लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। आज की डेट में इंडियन इलेक्शंस के, इंडियन पॉलिटिक्स के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, आप ये सोचिए कि इलेक्शन का डेट जब इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा उसके बाद आप आके 10 दिन की कैंपेन करके और रैलियां करके चुनाव जीत जाएंगे, तो भारतीय जनमानस की साइकोलॉजी को कन्विंस करना मोड़ना अब इतना आसान नहीं है। आपके कैंपरिजन में जो आपकी राइवल पार्टी है बीजेपी है, वो 5-5 साल से लगातार वहां मेहनत कर रही है, ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रही है, आपको नहीं दिख रहा है,
आप ट्वीट खेल रहे हैं, अगर हर चीज ट्वीट करने से होती तो मैं ट्वीट कर दूं कि कल से मैं पीएम बन रहा हूं भारत का, तो दैट्स ऑल। कहने का मतलब यह है, इलेक्शन या पॉलिटिकल मैनेजमेंट अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मंथन की आपने बात की, आप बैठ के मंथन करते रहिए, केवल मंथन होना जरूरी नहीं है, मंथन तो कांग्रेस ने, सीपीआई ने, टीएमसी ने, सबने किया। टीएमसी ने मंथन किया, उस मंथन का क्या रिजल्ट निकला कि एक बहुत बड़े कंसल्टेंट को ले आइए, प्रशांत किशोर जी को ले आए, अब उसका रिजल्ट क्या निकला कि उनके आते ही 10 लोग छोड़ के चले गए, शुभेंदु शेखर वगैरह। तो मंथन सही हो, कितने अच्छी तरीके से आप ग्राउंड लेवल के डायनामिक्स को पहचानते हैं, ये एक्सपर्टाइज है। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और रिसर्च एजेंसीज हैं। अब देखिए, मैंने अभी तक जो सुना है, मैक्सिमम जो सैंपल साइज लिया गया है किसी के द्वारा, वो 1 लाख वोटर्स का लिया गया है, इस इलेक्शन में नहीं, पहले इलेक्शन में। अब बीजेपी, अभी किसी भी स्टेट में देखिए, बंगाल वगैरह की पॉपुलेशन आप देखिए 10 करोड़ 11 करोड़ के आसपास होगी, उसमें 5-6 करोड़ वोटर होंगे, तो 5-6 करोड़ वोटर में आप देखिए 1 लाख का कितना परसेंट होता है, 0.00001% करके होता है, तो उस सैंपल के कोई मायने नहीं। दिस इज वन थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप किसी वोटर का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर, मैंने सबका देखा हुआ है, भाई आप किसको वोट दे रहे हैं, अच्छा जी इनको दे रहे हैं, अच्छा उनको नहीं देंगे, नहीं उनको नहीं देंगे, 1-2 क्वेश्चन और, क्यों नहीं देंगे, या कौन सा मुद्दा है। तो ये बहुत इफेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते हैं, आपको वहां पता ये करना है कि मतलब चेंज क्या हो रहा है। भाई वोटर तो सब पुराने हैं, हो सकता है बीजेपी वाले वोटर कांग्रेस में चले जाएं, या कांग्रेस वाले या टीएमसी वाले बीजेपी में आ जाएं, तो आपको पहचानना ये होता है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वोटर करिए, कितने तरह के वोटर होते हैं बेस्ड ऑन देयर नेचर बिहेवियर, तो 5 तरीके के होते हैं। एक तो फिक्स वोटर होता है, भाई आरएसएस का जो आदमी है वो बीजेपी को ही देगा वोट, इसी तरीके से कैडर बेस जो है वो अपने ही पार्टी को देते हैं, लेकिन हार और जीत तय इससे होती है, जो शिफ्टिंग वोटर है। अब शिफ्टिंग वोटर को पहचानने के लिए आज तक मैंने कोई क्वेश्चन किसी भी एजेंसी से, रिसर्च एजेंसी से नहीं सुना। शिफ्ट, जब आप किसी वोटर को मतलब 1 लाख 1.5 लाख 10 लाख जितने भी लोगों का सैंपल सर्वे कर रहे हैं, फोकस ये होना चाहिए कि ये वोटर कितना स्टिकी है अपने डिसीजन पे, कहीं ऐसा ना हो 10 दिन के बाद कुछ और कैंपेन चले, ये शिफ्ट कर जाए। इसी चीज को लोग पकड़ नहीं पाते हैं, स्पेशली हारने वाली पार्टियां जो रिसर्च करवाती हैं, वो इस चीज को नहीं पकड़ पाती है। भाई आज वोटर ने बोला कि हम आपको देंगे दीदी, 5 दिन के बाद कोई कैंपेन चला, उसका विश्वास जो है, उसका डिसीजन डगमगाने लगता है, वो चेंज कर देता है। पोलिंग बूथ तक पहुंचते पहुंचते शिफ्टिंग वोटर जो होते हैं, न जाने कितनी बार अपने डिसीजन को चेंज करते हैं। अगर कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, इस चीज को पहचान ले कि शिफ्टिंग वोटर को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे उनको अपने तरफ शिफ्ट करवाया जाए, इसके डायनामिक्स को समझ ले कि कौन कौन से रीजन से वो शिफ्ट करते हैं और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं कि हम उसको चलाएं तो वो शिफ्ट कर सकते हैं, वही 5-10% होते हैं शिफ्टिंग वोटर, वो उन्हीं से आपका जो है हार और जीत तय होता है। इस चीज में बीजेपी बड़ी माहिर है, मैं आपको, मैं टीएमसी के इसमें बंगाल इलेक्शन में भी मैं एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, सोनार बंगला का कॉन्सेप्ट, जिस तरह से आपका जो नैरेटिव होना चाहिए ना, सिंपल होना चाहिए, टची होना चाहिए, ट्रेडिशनल होना चाहिए। माँ माटी मानुष पिछली बार एकदम ऐसा ही नैरेटिव था, आपने माँ माटी मानुष बोला, उसको फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हर वोटर वहां का कनेक्ट हो जाएगा। सोनार बंगला आप बोल दीजिए तो किसी बंगाली को बताने की आगे कुछ जरूरत ही नहीं है, भाषण देने की जरूरत ही नहीं है, ये केवल 2 शब्द ही पूरे चुनाव के मुद्दे क्या होंगे इस चीज को डिस्क्राइब कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि नैरेटिव आपका शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बार बार बदलते नहीं रहना चाहिए। आपका नैरेटिव आपके अपोजिट पार्टियों से डेराइव नहीं होना चाहिए, उनसे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए कि कहीं वोटर के दिमाग में ऐसी चीज जाए कि आप तो भाई स्टिमुलस आपको आपके अपोजिशन से मिला, आप अपने आप को बचाने के लिए आप ये ऐसा कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे माइक्रो लेवल की जो डायनामिक्स है, जो वहां पे टीएमसी भी मैनेज नहीं कर पाई, उनके छोटे बड़े नेता भी नहीं मैनेज कर पाए, और उसके बाद उनके जो कंसल्टेंट रहे शायद वो भी मैनेज नहीं कर पाए। और उनके जो कंसल्टेंट थे उनका भी एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आया था, उस इंटरव्यू को भी आप देखिए, अगर आदमी कॉन्फिडेंट रहता है तो वो 2 विरोधाभासी लॉजिक या बातें नहीं देता है। आदमी अगर कॉन्फिडेंट है तो ये बोलेगा कि हाँ रिजल्ट यही होगा, ठीक है। लेकिन देखिए, उनके पूरे इंटरव्यू को देखिए, प्रशांत किशोर जी के पूरे इंटरव्यू को देखिए, उन्होंने दोनों बातें बोली है कि मैं अभी भी बोलता हूँ कि बीजेपी 100 से ज्यादा सीट नहीं पाएगी,
लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक चीज और बोली है कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो मैं अपना ये कैरियर छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात आपको बोलने की क्या जरूरत है भाई? कैरियर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आपको कोई रोकेगा नहीं, आप उसके लिए फ्री हैं। हार या जीत होने के बाद भी आप छोड़ सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, 20 साल के बाद आप फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन पकड़ने वाली चीज ये थी कि इतनी जबरदस्त विरोधाभास वाली बातें आप क्यों बोलते हैं? या अगर आप ऐसे, अगर कोई ऐसे बोलता है, हाँ देखते हैं क्या होगा कैसे होगा, अभी तो कुछ सोचा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, और उसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, तो इसका मतलब है कि उनके पास सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके बेस पे वो एकदम क्लियर कट डिसीजन लेके बता सके कि कंक्लूजन क्या होगा। तो ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके बेसिस पे ये बोला जा सकता है कि वहां पे जो लीड करेगी, या अल्टीमेटली अगर ये देखा जाए, छोड़िए कौन कितनी सीट से जीतता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक भी सीट से अगर सरकार बन जाए कैसे भी करके, सरकार किसकी बनेगी ये ज्यादा जरूरी है। वो मुझे इंक्लाइनेशन मुझे बीजेपी की तरफ से लगता है कि वो सरकार बनाएंगे। अगर नहीं होता तो वो 5 साल पहले से मेहनत नहीं करते, वो बहुत पहले से डिसाइडेड है कि हमें सरकार बनानी है। मिश्रा जी, आपने आपने इस जवाब में बहुत सारी बातें कही, उन्हीं में से कुछ मैं पॉइंट्स उठाना चाहूंगी। सबसे पहले तो हम वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में ममता दीदी और बीजेपी पे जिस तरह से हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर का नाम कैसे चढ़ा वो हम सबको पता है। सबसे पहले उन्होंने किसका पीआर किया, सेकेंड में किसका पीआर किया, तो वो जो ए बी सी, और इस टाइम वो सी कैटेगरी पे है आके, ए पे उन्होंने राइज किया, सत्ता आई केंद्र में सब जगह पे हमें पता ही है। बी में जब वो पहुंचे वो साफ होना शुरू हो गई, आपको पता ही है। अब वो सी पे पहुंचे, आप मुझे ये बताइए, सारे इलेक्शन में पिछले सब उनको छोड़ दें और वेस्ट बंगाल पे प्रशांत किशोर को फोकस करें, क्या वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं अपने पीआर में? देखिए मैम, एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई कैसे भी सक्सेस के मुकाम पे पहुंचा हो तो उस चीज की तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि सबको मौके भी नहीं मिलते, कोई ना कोई यूनिक फैक्टर होता है। नो डाउट अगर वो सक्सेस रहे हैं तो उनकी अपनी मेहनत है, उनका अपना लक है, सबको ऐसा नहीं मिलता है। लेकिन जो आपने बोला कि फर्स्ट फेज क्या हुआ, फिर सेकेंड फेज क्या हुआ, यूपी में बहुत बुरी तरीके से देखिए हुआ, देखिए मैं जी आपको एक चीज बताऊं, अगर कोई एक एक्सपर्ट सर्जन है, आप इसको एग्जाम्पल समझिए, कोई एक्सपर्ट सर्जन है तो एक बार अपेंडिक्स का ऑपरेशन करेगा तो भी वो 100% श्योर रहेगा कि ठीक होगा, और 1000 बार करेगा हर बार वो सक्सेस होगा। मैंने आपको बोला कि पॉलिटिक्स का डायनामिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स का डायनामिक्स बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और जरूरी नहीं है कि दिग्गज से दिग्गज आदमी या नेता भी हर बार उसको समझ जाए। भाई सारी पार्टियां, सारे दिग्गज नेता तो हारे हैं ना, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी और सबको इंक्लूड करके हर किसी ने हार देखी ही देखी है। जो कभी किंग होते थे पॉलिटिक्स के, वो पार्टियां आज हाशिए पे बैठी हुई हैं। तो ऐसा क्यों होता है? डायनामिक्स को आप समझ नहीं पाते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं डेफिनेटली ये बोलूंगा, स्पेशली बंगाल इलेक्शन के लिए बोलूंगा, अगर आपने देखिए बहुत हैविली पे किया जाता है इन सब चीजों के लिए, आपने 1 साल 1.5 साल पहले ज्वाइन किया, तो बीइंग ए कंसल्टेंट या स्ट्रेटजिस्ट आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि पार्टी को एक सूत्र में बांधे रखना। आपके जाने से अगर पार्टी में विच्छेद शुरू हो जाए, हड़बड़ी शुरू हो जाए और पार्टी के पिलर गिरने लगे, तो वो पार्टी रूपी बिल्डिंग कितने दिन तक खड़ी रहेगी? तो पहला सिम्टम तो यही होता है। अब इसके कई रीजन होते हैं, हो सकता है आप वहां पे ठीक से अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाए, आप बहुत ज्यादा, चूंकि आपको लगा होगा कि भाई ममता दीदी हमारे साथ है तो आपने डिक्टेट करना शुरू कर दिया, आप दूसरों के ओपिनियन को जो है नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, आप सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि भाई हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं वही अल्टीमेट है और बाकी सारे नेताओं का ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है, वो गलत है। रीजन कुछ भी हो, पहली चीज होती है कि एज ए कंसल्टेंट, एज ए डॉक्टर या एज ए कंसल्टेंट आप ज्वाइन करते हैं ना, तो उस पार्टी को कन्विंस करके रखना, उन लोगों को जोड़ के रखना और उनको वैल्यू एडिशन देना ताकि वो और मजबूत हो जाए, ना कि वैल्यू डिडक्शन करना। इनके जाते ही वैल्यू डिडक्शन वहां पे शुरू हो गए। इट वॉज द फर्स्ट सिम्टम जहां पे कि मुझे ये लगा कि अब शायद बुरे दिन शुरू हो गए हैं, मैनेज नहीं हो पाएगा चीजें। अच्छा, उसके बाद कैंपेन के जो नरेटिव रहे हैं, आप देखिए नरेटिव भी कई बार चेंज होते रहे, चूंकि आप कंसल्टेंट हैं तो या तो आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी बात वो मान नहीं रहे हैं, या आप ही ने वो बोला है कि भाई आप ये नरेटिव करिए। लेकिन ओवरऑल अगर बार बार बीच में नैरेटिव चेंज हो रहे हैं और सारे नैरेटिव में कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा है, कोई कोरिलेशन नहीं दिख रहा है,
कि जब आप अपनी लॉन्चिंग करते हैं तो उस वक्त नैरेटिव और स्ट्रेटजी अलग होती है, जब वो ग्रो के स्टेज पे होती है तब आपके नैरेटिव और वो चीजें अलग होती हैं, लास्ट फेज में जब आपका कैंपेन होता है तब वो चीजें अलग होती हैं। ये चीज बीजेपी में बखूबी देखी, जैसे जैसे कैंपेन बढ़ता गया देखिए और एग्रेसिव होते गए और एक्यूरेट होते गए। ये टीएमसी में देखिए क्या हुआ, इंक्लूडिंग प्रशांत किशोर और उनके पार्टी के इंटरनल जो स्ट्रेटजिस्ट रहे होंगे इन लोगों का क्या हुआ, हर बार इनका नैरेटिव भटकता रहा। बीजेपी में एक चीज और है कि बंगाल को बंगाल के पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से, यानी जो वोटर्स हैं उनकी पॉलिटिकल साइकोलॉजी बिहेवियर के हिसाब से बंगाल को उन्होंने चार पांच टुकड़ों में बांट दिया, पहली चीज। और हर के लिए अलग अलग कैंपेन की स्ट्रेटजी बनाई, ऐसा नहीं कि पूरे बंगाल के लिए एक किया, होमोजीनियस स्ट्रेटजी नहीं बनाई। ममता दीदी के सारे कैंपेन में होमोजीनियस स्ट्रेटजी दिख रही है। अगर बंगाल को पांच पार्ट में आप बांट रहे हो, तीन पार्ट में बांट रहे हो, तो इसका मतलब है कि डीपर लेवल पे आपने एनालिसिस की है, आप छोटे छोटे पार्ट को जो है एक्टिवेट कर रहे हैं और हर पार्ट को अलग तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो ये भी तो एक एक्सपर्टाइज होती है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए मैंने कोई सर्वे नहीं किया, लेकिन डायनामिक्स को देख के, उनकी स्ट्रेटजी को देख के, उनके इम्प्लीमेंटेशन को देख करके पता चल जाता है। ये कुछ ऐसे ही है, रेस कोर्स में आप बैठे हो या 100 मीटर की दौड़ हो रही हो, तो कोई भी आदमी, कोई भी दर्शक वहां पे जो बैठा है वो देख के बता सकता है कि भाई कौन सा घोड़ा जीतेगा, कौन घोड़ा आगे निकल रहा है, वो तो पता चल ही जाता है ना कि डिफरेंस क्या है। तो ये बड़े कॉमन चीजें हैं। अगर आप टीवी पे भी देखते रहे, मैं चलिए ये भी मान लेता हूँ कि टीवी वाले भी जो है, जितने एनालिस्ट हैं वो सब बायस्ड है, मैं सारी चीजें मान लेता हूँ सब बायस्ड है, लेकिन आंखों के सामने जो चीज दिख रहा है आपको, जो खबरें आ रही है उसमें तो क्लियर कट दिख रहा है ना कि कौन घोड़ा या कौन धावक आगे निकल रहा है और कौन पीछे रह रहा है। तो थोड़ा सा भी 1 मीटर का भी फासला होने पे रेस में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो ये डायनामिक्स देख के अगर आप ये बोलेंगे तो डेफिनेटली ये बोला जा सकता है कि जो है बीजेपी बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पे लीड करेगी, अपने पास्ट परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीके से वहां पे इम्प्रूव करेगी। और मार्जिनल देखिए टीएमसी का मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैं आपको बताऊं, टीएमसी भी कहीं अगर बेस्ट परफॉर्मेंस होगी तो टीएमसी भी मार्जिनल गेन करेगी, वो क्लीन स्वीप टाइप की टीएमसी नहीं करेगी। जैसे टीएमसी जितना जीतना है उससे वो 5, 10, 20 सीट ज्यादा पा गई तो भी उनके लिए खतरनाक है, उनके लिए एक नेक्स्ट चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर लाइन की जहां पे विक्ट्री या डिफीट होती है ना, तो वहां एक टशन लगातार अगले 6 महीने तक चलती रहती है नेक्स्ट ऑप्शन के लिए कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। जो वो मतलब जोड़ तोड़ लोगों का, नेताओं का छोड़ना, आना जाना, हम सरकार बनाएंगे, कर्नाटक वगैरह कई जगह आपने देखा है ऐसा है। तो उसको मैं मिनी फेज ऑफ इलेक्शन बोलता हूँ, नेक्स्ट लेवल ऑफ इलेक्शन मैं बोलता हूँ। तो अगर क्लीन स्वीप कोई नहीं कर पाया तो वहां पे टीएमसी भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन टीएमसी के ज्यादा निगेटिव परफॉर्मेंस करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मिश्रा जी, वैसे तो बीजेपी बहुत अलग मुद्दों पर वहां पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन क्या उन मुद्दों में धर्म और एनआरसी ये दोनों फैक्टर होंगे, ये काम करेंगे इस चुनाव में? देखिए मैं एक ऐसा पहला पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, आज नहीं मैंने 3 साल पहले बोला था, और पूरे ग्लोबल लेवल की मैं बात करूं, धर्म को राजनीति से आप अलग नहीं कर सकते हैं। बात भारत की नहीं है, जितने 56-52 मुस्लिम देश हैं वहां तो आप देख ही लो धर्म कितना एक्टिव। आप तो आयरलैंड में है, आप यूके, आयरलैंड और यूएसए वगैरह में देखिए, सारी शपथ जो होती है वो बाइबिल को मान के होती है, जीसस को मान के होती है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेटेंट वे में बैक ऑफ द माइंड रिलीजन होता ही होता है और वो निकल करके आ जाता है। और कैसे हो सकता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो हजारों साल से हम लोगों के यहाँ धर्म जीवन के हर एक अंग में जुड़ा है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो अच्छे नेता होते हैं वो धर्म के बारे में कभी निगेटिव नहीं बोलते हैं। ममता दीदी ने गलती तो यही की ना कि भाई जय श्री राम का नारा लड़के लगा रहे थे, आपने जो है कार से उतर करके उनको डांटा। ममता दीदी को ये समझना चाहिए कि लगभग पिछले 2000 सालों से तो इंडिया पे अटैक हो रहे हैं, इसी जय श्री राम के विरोध में, श्री राम के विरोध में अटैक हो रहे हैं, 1000 साल से तलवार का भी जोर लगा करके लोग हरा नहीं पाए, यानी खत्म नहीं कर पाए। तो आप क्या सड़क से उतर करके जीप से आप डांट देंगी तो क्या वो सारी चीजें, जय श्री राम और ये इन सब चीजों का जो सेंटिमेंट लोगों में है वो खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। अरे तलवार की धार जब इस सेंटिमेंट को खत्म नहीं कर पाई तो आप खत्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो अच्छे नेता होते हैं वो कभी भी रिलीजन के थ्रू जो है, मतलब
रिलीजन के ऊपर डिसरिस्पेक्टिव वे में वो कभी भी उसको टच नहीं करते हैं उस मुद्दे को। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने एनआरसी बोली, डेफिनेटली होगा। अब आप देखिए, कुछ ऐसे एरिया देश में जहां पे घुसपैठियों या इन सब चीजों का ज्यादा उपद्रव नहीं है, परेशानी नहीं है, लोग वहां पे भी फेवर है। एनआरसी की जरूरत ही इसलिए पड़ी यहाँ पे, या बीजेपी सोचती है, क्योंकि सारा माइग्रेशन तो आप देखिए बांग्लादेश के बॉर्डर से हुआ ना, या आसाम बांग्लादेश के बॉर्डर से हुआ है। वहां लोग इन सब चीजों से डायरेक्टली फेस टू फेस, मतलब इन प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में इन प्रॉब्लम्स को वहां पे फेस कर रहे हैं। तो वो तो चाहते हैं, बांग्लादेश का बॉर्डर अभी भी बहुत पोरस है। एक घटना आपको और बताऊंगा, तीस्ता नदी का पानी का बंटवारा जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में बहता है, आप कभी देखिएगा उस पे ममता बनर्जी का स्टैंड क्या रहा है। तो ये सब चीजें सोच करके ना, वहां की पब्लिक एटलीस्ट शिफ्टिंग वोटर तो इस चीज पे है ही कि हाँ भाई जो है ये चेंज होना चाहिए। और सबसे खूरी रही है 10 साल से, देखिए आदमी मोनोटोनस चीजों को नहीं करता है। हम घर में भी सब्जी पकाते हैं ना, तो एक ही तरह की सब्जी अगर दूसरे दिन बन जाए ना, तो आदमी बोर होने लगता है। ये होता है मोनोटोनस नेचर। तो वोटर्स का भी मोनोटोनस नेचर होता है, और ये मोनोटोनस जो नेचर होता है ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को जन्म देता है। तो बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सत्ता पक्ष के साथ है, यानी ममता दीदी के साथ है। एंटी इनकम्बेंसी को मैनेज करने का जो इफेक्टिव तरीका है वो मैंने देखा ही नहीं, बंगाल चुनाव में मैंने देखा ही नहीं। एंटी इनकम्बेंसी को कैसे पहचाना जाए और कैसे मैनेज किया जाए, ये अगेन एक बहुत टिपिकल चीज है। मैं आपको बता दूं कि कैसे उसमें वोटर को अपने साथ लगातार इंगेज करके रखे रहना पड़ता है कि उनका नेचर मोनोटोनस ना हो, उनका इंटरेस्ट ताकि अभी भी बाकी रहे। एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने के लिए किसी भी एंगल से ममता दीदी ने काम नहीं किया है। इनके पूरे इलेक्शन कैंपेन की अगर आप निगरानी करिए और देखिए इनको, तो कहीं पे कोई ऐसा सिम्टम नहीं दिखेगा, नैरेटिव नहीं दिखेगा, इफर्ट नहीं दिखेगा जिसपे इन्होंने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मैनेज किया हो। इन सब चीजों को देखा जाता है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपका इम्प्लीमेंटेशन है, आपकी रैलियां हैं। ज्यादातर रैलियों में ममता दीदी उलझ गई इंडिविजुअली बीजेपी के साथ या बीजेपी के लीडर्स के साथ। उनको इंडिविजुअली किसी पार्टी से नहीं उलझना है, उनको इंडिविजुअली, देखिए जो चैलेंजर होता है वो तो उलझ सकता है क्योंकि उसका तो टारगेट ही यही होता है कि हमें इस सत्ता को उखाड़ के फेंकना है। लेकिन जो लीडर है उसको ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि आप इंडिविजुअली पार्टी या इंडिविजुअली लीडर से आप उलझ जाइए। सारा कैंपेन इंडिविजुअल पार्टी से वो उलझने में उनका चला गया, या इंडिविजुअल लीडर से वो उलझ गए, या इंडिविजुअल व्यक्तियों से आप उलझ गए ये बोल के कि यूपी बिहार से जो है गुंडे बुलाए जा रहे हैं। अगर आप एक गंभीर नेता हैं तो आपको पूरे देश के हर स्टेट के लोगों को सम्मान देना। मैं बोलता हूँ भाई, रैली कहीं पे भी हो रही है, दूसरे स्टेट का भी आदमी जा सकता है वहां देखने के लिए, कवर करने के लिए। आप ये कैसी असंवैधानिक बातें कर रहे हैं? आपने बंगाल को क्या बांग्लादेश बना दिया क्या कि बिना पासपोर्ट लिए कोई आएगा नहीं? ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो कि बहुत गहरे से प्रभाव डालती हैं। और देखिए वोटर को भी नहीं पता होता है कि धीरे धीरे कब वो शिफ्ट हो गया। जो शिफ्ट का जो साइकोलॉजिकल पोलिटिकल इंटरेस्ट होता है ना, पोलिटिकल काइनेसिस होता है माइक्रो लेवल पे, वोटर को भी नहीं पता चलता है कि धीरे 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 कैसे करके वो शिफ्ट हो गया दूसरी पार्टी की तरफ। हार्डकोर वोटर भी बहुत आसानी से शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा रेगुलर अगर काम कर दिया जाए। ये फैक्टर ऐसे रहे हैं कि टीएमसी इन फैक्टर्स को भांप ही नहीं पाई, और इसीलिए उनकी जितनी कैंपेन है वो सरफेस लेवल पे गई। हल्ला मत, मैं तो सिर्फ बोलूंगा कि टीएमसी ने जो भी मेहनत किया, पैसा खर्च किया, वो केवल जैसे वो इधर डांस कर लिया, उधर हल्ला मचा दिया, उधर शोर कर दिया ना, वो वेस्टेज गया। वो कोई सॉलिड ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे ये होता है ना कि कील को अगर गाड़ना होता है दीवार में, इफ यू हैव टू नेल, तो वहां हथौड़ा कहाँ लगना चाहिए? एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वहीं पे आपको हथौड़ा रखना जो है लगना चाहिए, आपका प्रहार होना चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो उतने माइक्रो लेवल पे ये उस पॉइंट को ढूंढ नहीं पाया। बड़ा इनका कैंपेन टीएमसी का बहुत जनरलाइज्ड हो गया, बहुत कंफ्यूज्ड हो गया और मुद्दों से हट गया। कौन से मुद्दे पे भाई? विकास का अगर आप मुद्दा पकड़ती हैं तो बीजेपी उसमें डोमिनेट करती है, डेवलपमेंट वगैरह की बात करती है उसमें डोमिनेट करती है। आप अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस के कारण, कुछ प्रिफरेंस के कारण खुल के हिंदुओं के बारे में आप नहीं बोल पाई, तो आपके अपने लिमिटेशंस हैं, या किसी एक धर्म का या पक्ष आपने ले लिया तो वो आपकी अपनी प्रिफरेंस है। यानी हर जगह आप लिमिटेड ही होते चले गए, ब्रॉडर एरिया पे आपने सबको कवर करने की कोशिश नहीं की। तो ये वहां पे ऐसे फैक्टर्स रहे हैं।
मिश्रा जी, अभी इन सब फैक्टर्स पर जिस तरह से आपने बात की, इसके पैरेलल ही एक और फैक्टर भी है जिस पर ममता दीदी पिछले कई दिनों से अग्रेसिव हुई हैं। वो लगातार सवाल खड़े कर रही हैं इस पर कि ईवीएम टेम्पर्ड हो सकती है आने वाले टाइम में, और विपक्षी पार्टियां भी इस चीज पे अक्सर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं कि बैलेट से चुनाव क्यों नहीं करवाए जाते हैं, क्योंकि ईवीएम तो दिल्ली इलेक्शन से पहले भी आपको पता होगा कि ये एक लगातार हिट किया जा रहा है सरकार को। तो आप इसको क्या कहेंगे, क्या वो टेम्पर्ड हो रही है, नहीं हो रही है, क्या मैनेजमेंट है ये? देखिए मैम, मैं आपको बताऊं, मेरे पास कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, मैं क्लेम नहीं कर सकता हूं जो मतलब संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं, हैक होने को तो सैटेलाइट भी हैक हो जाते हैं, बड़ी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था हैक हो जाती है। और ऐसा नहीं है, जब बैलेट पेपर होता था तो क्या धांधली नहीं होती थी? तो गारंटी तो कहीं किसी की नहीं है, गारंटी केवल एक ही चीज दे सकती है, आप चाहे बैलेट पेपर से करवाइए, चाहे केवल मतलब हाथ खड़ा करवा लीजिए कि भाई आप किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे, उसी से डिसाइड कर लीजिए, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी ले आइए, मीडियम कोई भी ले आइए, क्वेश्चन सिर्फ ये होता है कि चीजें ऑनेस्टी से होनी चाहिए। बैलेट पेपर करा देने से ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई पार्टी हार रही है तो वो जीत जाएगी। बैलेट पेपर करा देने के लिए अगर ये बोल रहे हैं, या तो पहले ही इलेक्शन के पहले उनको पता चल गया हो तो अब हल्ला मचाने लगे हो कि हाँ भाई ईवीएम से, जहां आप जीत जाएंगे वहां ईवीएम भाई बहुत सही है, जहां आप हार जाएंगे वहां ईवीएम को जो है फिर हैक कर लिया जाता है, टेम्पर्ड कर लिया जाता है। तो इसका तरीका एक ही है कि अगर आप कोई भी पक्ष या विपक्ष का आदमी इतना दहाड़ रहा है, आप चैलेंज कर रहे हो कि हम जीत रहे हैं, सारी चीजें आप कर रहे हैं, तो क्यों नहीं ईवीएम के लिए जो मेजरमेंट हो सकते हैं वो करिए। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, अपनी निगरानी यानी उसको चेक करने के जितने तरीके होते हैं आप वो करिए। तो अगर नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी लिमिटेशन है, तो अब उसमें मैं क्या करूंगा, आप मुझे बताइए, या कोई भी क्या करेगा, आप केवल हल्ला मचाइए, रिजल्ट जो आना होगा वो होगा। अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, उसको नहीं करेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो केवल केवल आपके निगेटिव जाता है। अभी देखिए, अगर इन्होंने ईवीएम के लिए हल्ला मचाना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं टीएमसी को लगना शुरू हो गया है कि हमारे वोट कम पड़े हैं। एक चीज आपको बता दूं, जो बूथ मैनेजर होते हैं, शाम तक उनको पता चल जाता है, बूथ मैनेजर वहां का लोकल आदमी होता है और उसको पता रहता है कि इस गांव का ये आदमी किसका किसको वोट देगा, तो वो इमीडिएटली गिन के वो पता कर लेते हैं कि भाई आज शाम तक इतनी वोट पड़ी, इसमें इतने हमारे पड़े, इतने इनके पड़े, इतने इनके पड़े, तो पार्टियां कॉन्फिडेंट हो जाती हैं वहां पे। पार्टियों को तो एटलीस्ट जो सेंसिटिव पार्टियां हैं उनको पता चल जाता है कि वो कितनी सीट जीत रही हैं और कितनी सीट हार रही हैं। मिश्रा जी, अभी हाल ही में आपने सुना होगा ममता बनर्जी ने लगातार नरेंद्र मोदी से इस्तीफा भी मांग लिया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना तेजी से पूरे देश में प्रसार कर रहा है, सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि वो पूरे देश में हालात को कंट्रोल नहीं कर पाए। पूरे देश में रैलियां हो रही हैं, जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शन है उस पर लगाम नहीं कसी, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दवाइयों की कमी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने एक सवाल और उठाया, वो ये है कि सभी स्टेट में केंद्र सरकार को चाहे कोविशील्ड का जो रेट फिक्स है उसी रेट पे मिलनी चाहिए और स्टेट को भी इसी उस पे मिलनी चाहिए। तो उनका ये कहना है कि कोलकाता में जो कोविशील्ड की वैक्सीन आ रही है कोलकाता वेस्ट बंगाल को, उसके ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं एज कंपेयर टू केंद्र सरकार को वो जो वैक्सीन मिल रही है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप कैसे देखते हैं कि वो लगातार दोष लगा रही है और वो इस्तीफा भी मांग रही है, खुद का चुनाव अभी चल ही रहा है? देखिए मैम, कोविड की जो महामारी है ये मानवता से संबंधित है, इसमें मैं बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी को नहीं देखूंगा। मैं ये बोलूंगा कि हजार हजार साल क्या, 17वीं शताब्दी से वैज्ञानिक या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ, तो 300-400 साल तो हो गए। पूरी दुनिया में 300 साल वैज्ञानिक रिसर्च के बाद भी हम कितने बौने हैं यहाँ पे। और मैं सबको बोलूंगा भाई सुरक्षित रहिए, सबके लिए कामना यही है कि किसी के साथ कोई नुकसान ना हो। अब आते हैं हम आपके मुद्दे के ऊपर, अगर कोविड के फैल्योर को, कोविड के बढ़ने को माना जाए, तो मैं वहां ये बोलूंगा कि केवल मोदी जी ही इस्तीफा नहीं दे, वहां कांग्रेस के भी जहां है टीएमसी की ममता बनर्जी भी इस्तीफा दे। कौन सा ममता बनर्जी ने बंगाल को फ्री फ्रॉम कोविड करके रखा है, मुख्यमंत्री तो वही है ना। गहलोत साहब ने कौन सा राजस्थान को फ्री करके रखा है, मुंबई। हाँ, कौन सा वहां पे उद्धव ठाकरे जी ने मुंबई को बचा लिया है कोविड से, दिल्ली में कौन सा कोविड से बचा लिया। अगर इस चीज को पैरामीटर माना जाए कि कोविड को कोई आदमी मैनेज नहीं कर पाया, तो ये सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें बीजेपी सरकार भी इस्तीफा दे और सारी सरकारें इस्तीफा दे, फिर दूसरे लोगों को बनाया जाए, हमारे आप जैसे लोगों को बनाया जाए, हम बेटर मैनेज करेंगे। रही बात, अब मैं आपको बताता हूं कोविड में है क्या। अब देखिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको एक योजना चलाई थी हेल्थ कार्ड का,
टीएमसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, पंजाब ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, बॉम्बे ने, महाराष्ट्र ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई इम्प्लीमेंट? हाँ, जब कोविड के इंजेक्शन का जब कैंपेन चल रहा था कि भाई इंजेक्शन लगाओ, तब कुछ पार्टी के आला कमान लीडर्स बोल रहे थे हम तो इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। कुछ ऐसे धार्मिक लोग भी थे जो बोल रहे थे कि जी ये तो कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ तो धर्म में मना किया गया है, हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। तो अब क्यों लगवा रहे हैं? इसके लिए पब्लिक भी जिम्मेदार है। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ऐसे ऐसे जाहिल लोग पड़े हुए हैं। देखिए, वैसे तो होने को किसी किसी का दोष नहीं है, प्रिकॉशन लेते हुए भी पुलिस काम कर, डॉक्टर काम कर रहे हैं, नर्स उनके एरिया में जा रही है, वैन लेकर के डॉक्टर जा रहे हैं तो उनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं और थूके जा रहे हैं। मैं सबकी बात करता हूँ, बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो इसमें कोई भी आदमी क्या कर लेगा? जब यहाँ पे सरकारें ही टीके महाराष्ट्र में 40 लाख के आसपास टीके एक्सपायर कर गए, जब आपको टीके दिए गए थे, इतना कीमती है। आज मारामारी मची हुई है कि नहीं मची हुई है, तो आपको उस वक्त समझ में नहीं आया? अब किसी के इस्तीफा ले लेने से और दे देने से कोई स्थिति सुधरने वाली है? अब तो ये है कि पब्लिक भी सेंसिटिव हो जाए और एक दूसरे को मदद करे, जिससे जो हो सके ऑनेस्ट हो जाए, कालाबाजारी ना हो। डॉक्टर्स को भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टियां भी राजनीतिक माइलेज को छोड़ के, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, इसको एक सामूहिक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। हाँ, इसको एक राष्ट्रीय आपदा मानना चाहिए, जहां पे सारे मतभेद को मिला के, कि आप किस धर्म के हो, आप किस पार्टी से हो, आप अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए। अदरवाइज ये वायरस इतना घातक है, इतनी तेजी से फैलता है कि एक दिन का भी डिले हो जाने पे बहुत तेजी से ये फैल जाता है। एक एक मिनट हम लोगों के लिए जरूरी है। हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उसको वॉर लेवल पे अप्लाई करने की जरूरत है। आप किसी भी पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे, सेंटर अपना रोल प्ले करे, गांव गांव में जो यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो अपना रोल प्ले करे। और एक अच्छा सिटीजन होने के नाते हम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इतना तो कर सकते हैं कि मास्क लगा के जाएं, ताकि ना हम संक्रमित हो। मैं बोलता हूं, आप दूसरों को संक्रमण फैलाने की बात छोड़ दीजिए, आप अपने आप को बचा लीजिए, ये सबसे बड़ी राष्ट्र की सेवा होगी। हर आदमी केवल अपने आप को संक्रमित होने से बचा ले, तो कोरोना अपने आप ऐसे ही गायब हो जाएगा। अगर हम मास्क नहीं पहन रहे हैं, सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, स्पेशली जब हम सड़क पे जाते हैं या बाहर जाते हैं, तो मैं तो मानता हूँ ये राष्ट्रद्रोह का मामला है। स्पेशली ठीक है, अगर आप सड़क पे जा रहे हैं या किसी पार्क में बैठे हैं, आपके अगल बगल कोई नहीं बैठा है, तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन जहां पे भी पब्लिक आ जा रही है, थोड़ा बहुत भी आ जा रही है, तो वहां तो आप सेफ रहिए ही रहिए ना। तो पहली कमी तो जनता की है भाई, इतना ये आउटबस्ट क्यों हुआ ऑल ऑफ सडन? ये पिछले 2-3 महीने में देखिए, सबने मास्क लगाने छोड़ दिए, सब ट्रेवल कर रहे हैं आराम से बिना मास्क के, जो वो कर रहे हैं। और ये इस पे मैंने बहुत पहले ही, जब इंडिया में शायद 3-4 पेशेंट थे, मैंने तभी भी डिबेट की थी, क्योंकि वायरोलॉजी आप पढ़िए तो वो पता चलेगा ये किस तरीके से म्यूटेट होते हैं और नए नए रूप में आ जाते हैं और कितनी तेजी से ये बस्ट होते हैं, बहुत तेजी से बस्ट हो जाते हैं अंदर अंदर और फैल जाते हैं। तो ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। यहाँ पे किसी के इस्तीफा लेने और देने से, मैं तो बोलता हूँ ममता दीदी भी इस्तीफा देने से ज्यादा बेटर ये है कि एग्रेसिव वे में वो कोरोना के मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसको डिप्लॉय करें अपने जगह। वहां लॉकडाउन जरूरी हो तो लॉकडाउन लगाएं, दवाइयां पहुंचाएं, टीकाकरण का कार्यक्रम, कोई भी मुख्यमंत्री है किसी भी दल का, मैं बोलूंगा कि एग्रेसिव तरीके से कोरोना से बचने के जो भी उपाय हैं, आप अपने स्टेट में 24 आवर इमरजेंसी बेसिस पे आप उसको करिए। किसी के इस्तीफा लेने देने से वो नहीं होगा। मिश्रा जी, मैं अपना अगला सवाल करूं, उससे पहले मैं व्यूअर्स के बहुत सारे सवाल आ गए हैं, उसमें से एक सवाल मैं आपके सामने रखती हूं। और डॉक्टर अशमा बेगम असम से लिख रही हैं, ए हिडन डोर वाज फाउंड इन स्टोरेज रूम व्हिच डायरेक्टली कनेक्टेड एंड एंट्री टू ईवीएम एरिया एंड द कैमरा व्हिच वाज प्रोवाइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑफ फॉर 7 आवर्स। जस्ट थिंक व्हाट कुड हैपन नाउ, इट्स इन द न्यूज। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आसमा मैम को मैं ये बोलूंगा, मैंने पहले ही बोला और उससे समझ जाना चाहिए, अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी केवल कैंपेन कर देना और ये कर देना, ये नहीं होता है। आपकी जिम्मेदारी होती है कि जिस शिद्दत से आप कैंपेन करते हैं, चुनाव में जितने कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे बूथ का ऑफिसर जो बैठा रहता है, चाहे वोटर हो, हर एक चीज पे आपकी पैनी निगाह होनी चाहिए। शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है या किसी ने भी, पक्ष या विपक्ष ने इसको फाइंड आउट किया,
तो जो उसके रेमेडीज हैं, जो मीजर्स हैं, आप वहां पे कंप्लेंट करिए, प्रेशर बनाइए, सारी चीजें करिए, रीपोलिंग करिए। कंप्लेंट करने से ये नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, प्रिकॉशन आप लीजिए। मैं टीएमसी के फेवर की बात करता हूँ। अगर टीएमसी को ऐसा लगता है तो 24 घंटे आप स्ट्रांग रूम में बैठिए ना, आप परमिशन लीजिए ना, स्ट्रांग रूम के बाहर आप जो है देखिए ना, कोई आया नहीं, कोई जाया नहीं, तो इफर्ट्स आपको करना है नहीं, और उसके बाद ब्लेम केवल ये देना है। तो देखिए, इतने बड़े सिस्टम में कहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं किसी के फेवर या अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मशीन भी मशीन ही है, ऑलरेडी वो भी फेल हो सकती है, स्टॉप हो सकती है, बंद हो सकती है, परफॉर्म ना करे, तो आपको वहां पे भी अलर्ट रहना है। अगर अपोजिशन की जो पार्टियां हैं तो पूरे इलेक्शन के लिए वहां पे हर चीज के लिए अलर्ट रहना है, इंटीग्रेटेड वे में। ऐसा नहीं कि इलेक्शन हो गया आप सो जाइए और बाद में ट्वीट करिए कि ये तो जी ईवीएम की खराबी है, ये है। अगर ये इस तरह की चीजें आप पाते हैं वहां पे, तो उसको दोष मत दीजिए, उस पर एक्शन लीजिए। मिश्रा जी, जब से ये ईवीएम पे जब से हमारी वोटिंग होनी शुरू हुई है, नो डाउट अक्सर उस पर सवाल उठते हैं, लेकिन आपको याद होगा अच्छे से जब बैलेट से चुनाव होते थे तब भी बोगस पोलिंग होती थी, एक ही कैंडिडेट रूप बदल के, या वो कई बार वो क्या मतलब बहुत सारे उनके पास आइडियाज होते हैं इस चीज के कि वो वोट पे वोट डालते हैं, कभी कोई परिवार गया और उसने देखा उसकी तो वोट पहले से ही पड़ चुकी है। तो ये तो एक पॉलिटिकल पार्ट ऑफ है हमारे देश में, जहां भी डेमोक्रेटिक इतना स्ट्रोंग उस पे है और जनता बाहर निकल के वोट भी करना पसंद करती है, तो कई बार इस तरह के इंसिडेंट भी हो जाते हैं। मेरा मेन सवाल ये है कि सरकार पर अभी काफी सवाल उठे हैं, उस पर वो कह रहे हैं कि जब कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है आपने चुनाव क्यों करवाए, आप इस वक्त में चुनाव कैंसिल भी करवा सकते थे। पैरेलली विपक्ष ये कहता है कि आप एक तरफ तो चुनाव करवा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज सब बंद कर दीजिए। उनका कहना यह है कि चुनाव की रैलियों में कोरोना नहीं फैल रहा है, लेकिन स्कूल और कॉलेज में अगर स्टूडेंट जाते हैं तो कोरोना का फैलाव हो सकता है। तीसरी चीज, जब इतनी बड़ी आपदा हमारे देश में आ रखी है, हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, तो कुंभ मेले का आयोजन क्यों होने दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दो तीन चीजें मैं आपको बोलूंगा। ये सृष्टि है, ठीक है। पहली चीज, आप ये देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह जब चल रहा था, महात्मा गांधी जब जिंदा थे, तो उस वक्त भी फ्लू फैला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। जहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वहां पे जो चीजें हैं वो रुकती नहीं है। आपने एक बार लॉकडाउन लगा करके कुछ दिनों के लिए पूरे देश को रोका था ना, हाँ, तो उस वक्त भी लोग बोल रहे थे कि लॉकडाउन क्यों लगाया। मेरे कहने का मतलब है, सिचुएशन जब विकट हो जाती है, उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप हर चीज को रोक दीजिए। जो चीजें होनी है, कल को कोई ये भी बोलेगा कि भाई कोरोना इतना फैल रहा है तो सूरज को उगने से रोक दीजिए, चांद को उगने से रोक दीजिए, नदियों को बहने से रोक दीजिए, और आज तक ऐसा प्रैक्टिकली कभी हुआ नहीं है। वर्ल्ड वार जब हो रहा था तब भी लिमिटेड हो जाती थी घटनाएं, मैनेज्ड वे में होती थी और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती थी। रोका नहीं जा सकता है, पहली चीज। और क्यों ना होने दिया जाए, प्रिकॉशन के साथ क्यों ना होने दिया जाए। मैं इन लोगों से ये पूछता हूं जो लोग बोल रहे हैं कि चुनाव को रोक दिया जाए, मैं बोलता हूं विद प्रिकॉशन किया जाए, 2 फीट की दूरी रखें वोटर वगैरह इन सबको, और क्यों ना होने दिया जाए। क्योंकि एक मतलब संविधान को आप क्यों रोक रहे हैं, संविधान में अगर प्रोविजन है तो आप उसको करिए। और प्रिकॉशन लेते हुए, रही बात कुंभ वगैरह की, मैं आपको बताऊं, कुंभ का जब आयोजन किया गया था, अब देखिए, मानव सभ्यता की, साइंस की भी एक लिमिटेशन होती है। जब ये कुंभ 1 महीने 1.5 महीने पहले प्लानिंग चल रही थी, तो उस वक्त कोरोना की रिपोर्टें बहुत निगेटिव हो गई थी देश में। उस वक्त किसी को नहीं पता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ या कैसे होगा। भाई, किसी के पास इसकी तो जानकारी नहीं है ना कि कौन सी डेट को या कौन से हफ्ते में कौन से महीने में ये बस कर जाएगा। तो चूंकि उस वक्त की कंडीशन सेफ थी, उसको देखते हुए जो है कुंभ का जो है आयोजन किया गया वहां पे। ठीक है, रिस्क है यहाँ पे, लेकिन अल्टीमेटली आप ये बोलिए, आप दिल्ली शहर में देखिए जहां पे हम हैं, रिस्क है, लेकिन या तो आदमी अपनी मजबूरी के कारण भी जा रहा है। अब किसी के घर में अगर खाने को नहीं है तो अनाज लेने जाना है तो वो जाएगा। कुछ तो मजबूरी होती है, कुछ लापरवाही होती है। क्यों नहीं दिल्ली बॉम्बे में आप लॉकडाउन लगा देते हैं, आप कोलकाता में लॉकडाउन लगा दीजिए, वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं। अगर चुनाव रोकना है तो लॉकडाउन लगा दीजिए आप सारी चीजें। मेरे कहने का मतलब, ऐसा नहीं हो सकता है। जिंदगी में रिस्ट्रिक्टेड वे में चीजें चलती रहेंगी। कुंभ में उतने ज्यादा इन्फेक्टेड केसेस नहीं हुए, हालांकि एक आदमी का भी इन्फेक्टेड होना, एक आदमी की भी मौत पे मैं गहरा जो है दुख व्यक्त करता हूँ। भाई, कोई भी आदमी क्यों मरे, कोई भी जानवर अगर मरे तो अपनी मौत से मरे ना। भगवान ने उसको जो उम्र दी है वो पूरी अपनी जिंदगी खा करके, खेल करके, इंजॉय करके मरे। लेकिन फिलहाल उस वक्त ये जानकारी नहीं थी पहले से कि कोरोना ऐसे बस्ट कर जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाए हुए हैं,
और अब अगर मेडिसिन वगैरह, देखिए पहले फेज में हमें बिल्कुल नहीं पता था कोरोना क्या है, अब हम कोरोना के बारे में बहुत कुछ समझ गए हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह हैं, टीके वगैरह आ गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे यहाँ ये फंसती है ना। देखिए मैं तो ये मान के चलता हूँ 70 सालों में हमने इतना विकास किया, मैं ये भी बोलता हूँ सारी पार्टियों ने डेवलपमेंट किया अपने हिसाब से अच्छे तरीके से किया, लेकिन हम कितने बौने पड़ गए, 70 साल का हमारा सारा विकास यहाँ पे फेल हो गया, ना हॉस्पिटल है, ना ऑक्सीजन की सप्लाई हो पा रही है, ना दवाएं मिल पा रही है। मैं कंक्लूसिव बोल रहा हूँ कि 70 साल के डेवलपमेंट के बाद भी हम चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके डिफरेंट रीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो हर गांव तक है यहाँ पे, सब कुछ है, लेकिन उनकी इफिशियंसी क्या है। और उससे भी बढ़ के मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर बीइंग अ सिटीजन, मैं एक सिंपल 5 ग्राम का मास्क लगा करके अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे ये सब सवाल पूछने का जो है कोई हक नहीं है। कोई भी आदमी अगर ये सवाल पूछता है कि ठीक है अगर आपने मास्क लगा के रखा हुआ है, आप सुरक्षित हैं, तो आप पूछिए, तो उसके जवाब ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कभी भी रोका, आप अपने घर में या अपने से रिलेटेड चीजें चीजें जो है वो काम को भी आप नहीं रोक रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी आप काम को कर रहे हैं, तो चीजें लिमिटेड हो जाती हैं, सुरक्षा के साथ होती हैं, लेकिन चीजों को 100% स्टॉप नहीं किया जा सकता है। पहली चीज, प्रिकॉशन सभी को लेने चाहिए, गवर्नमेंट को रोकने की जगह मैं ये बोलूंगा कि प्रिकॉशंस और गवर्नमेंट के जो भी है, स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सुविधाएं दे वो वहां पे वार लेवल पे, वहां पे मैंने काम करने की जो है बात कही है। और कुंभ के ऊपर भी बड़े सवाल उठ रहे थे, तो उसका मैंने जवाब ये दिया कि जब कुंभ का आयोजन हो रहा था तो उस वक्त कोरोना लगभग गायब हो गया था, हम लोग गफलत में थे। मैंने बोला ये नया वायरस है, इसको वैज्ञानिक भी अभी नहीं समझ पाए हैं कि कब ये इसकी उत्पत्ति फिर से हो जाती है। अब वो ऑल ऑफ सडन वहां पे हो गया, लेकिन जिस हिसाब से भीड़ होती है उस कंपैरिजन में वहां पे अगर देखा जाए इन्फेक्शन का रेशियो कोई बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा। मैं अपना सवाल, उससे पहले मैं एक सवाल ले लेती हूँ मिश्रा जी। शबनम खान ने लिखा है, बीजेपी ज्यादा पावरफुल नहीं है वेस्ट बंगाल में, सामने नकली लीडर भरे हुए हैं, एकजुट तो और बीजेपी की जमीन पर ज्यादा काम करना यहाँ उनकी जीत है, वो ये कह रही है। आप इसको कितना सही मानते हैं? हाँ मैं इसको सही मानूंगा, खान मैम ने जो बोला उसके पीछे कारण है। देखिए है क्या, दोनों ही चीजें मैंने बोली, अगर मैंने ये बोली कि बीजेपी पावरफुल है तो इसका मतलब है जो विपक्ष है ना वो कमजोर है, वो कमजोर कई कारणों से हो सकता है। देखिए आपकी कमजोरी आपके प्रतिद्वंदी को आपके राइवल की मजबूती बन जाती है, तो बीजेपी मजबूत है तो मेरे कहने का एक अल्टरनेट तरीका मतलब ये भी है कि विपक्ष कमजोर है। अब विपक्ष क्यों कमजोर है मैं इसका बता देता हूँ, 60% 70% वोटर तो अभी भी गांव में है ना, रूरल एरिया में है। विपक्ष के जितने भी नेता हैं आज की डेट में सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन के हैं, यानी इनके बाप या दादा लोग मिनिस्टर्स रहे थे, तो इन्होंने ऐश्वर्य देखा है, इनकी पढ़ाई पैदा होते ही एयर कंडीशन में पैदा हुए, एयर कंडीशन स्कूल में गए, या कुछ लोगों के लिए तो स्कूल चल के खुद घर पे आ गया, फिर जब बड़े हुए तो हार्वर्ड वगैरह से पढ़ लिए। इन्होंने इंडिया को तो समझा है लेकिन भारत को नहीं समझा है। ये किसी कंपनी के सीईओ तो बन सकते हैं बहुत अच्छे, लेकिन एक लीडर नहीं बन सकते हैं। देखिए कई लोग भारतीय चुनाव में ऐसे जीत के आ जाते हैं जो एकदम से ही अनपढ़ हैं अपनी विधानसभा से, उसके पीछे रीजन क्या है, चुनाव या चुनावी प्रक्रिया जो होती है वो सेंटिमेंट से बहुत जुड़ी हुई होती है, वहां पे व्यक्तिगत तो आप देश को कितना समझते हैं। अब्राहम लिंकन जब लड़ रहे थे तो उन्होंने ट्रेन से यात्रा की थी, क्यों की थी ट्रेन से यात्रा, ताकि वो सॉरी चीजों को समझ सके, हाँ देश को कनेक्ट कर सके। अगर आप यहाँ के ट्रेडिशन को नहीं समझते हैं, यहाँ की चीजों को नहीं समझते हैं, तो आप मुद्दे कैसे उछालेंगे। विपक्ष के हर नेता के साथ ये प्रॉब्लम देख लीजिए, उनके ट्वीट उनके स्टेटमेंट आम है तो उन्होंने उसको इमली बोल दिया, ऐसा है ना, एकदम उल्टा ही बोल देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको पता ही नहीं छोले कुलचे क्या है, खिचड़ी क्या होती है, रहट क्या होता है, ताल तलैया पोखर तालाब में फर्क क्या है, उनको पता ही नहीं है। उनको तो एक ही चीज पता है जी, स्विमिंग पूल। अब उनको ये नहीं पता कि आप स्विमिंग पूल बोलेंगे तो 60% वोटरों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ उचित समय उचित स्थान के हिसाब से अगर आप ताल तलैया पोखर तालाब इन 5 में से भी आपको चूज करना है कि कौन सा शब्द मुझे कहाँ पे प्रयोग करना है, इतनी विविधता है, ताल तलैया पोखर तालाब इसमें भी फर्क है, इनके साइज और इनके उपयोग और इन सब के हिसाब से बहुत जबरदस्त फर्क है इसमें, जैसे पानी नीर जल, हाँ इसमें भी फर्क है। आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए, इंडियन कल्चर कितना रिच है और पॉलिटिक्स भी कितनी रिच और डाइवर्स है,
नीर का यूज वहां पे किया जाता है, जो हिंदी के विद्वान है कि अखियन से बहत, नयनन से बहत नीर, यानी जब आंसू निकलता है तो वहां नीर का प्रयोग किया जाता है। कोई नीर बोले तो उसका समझ लीजिए कि आंसू, आंख से निकलने वाला जो जल है, जल तो वो भी है पानी। अच्छा, जल देखिए, जल का मतलब ये होता है जो पीने योग्य हो, जैसे कुएं से निकलने वाले पानी को हमेशा जल बोला जाता है। हाँ, बारिश से होने वाला जो पानी आता है उसके लिए सिनोनिम्स देखिएगा, दूसरी चीजें हैं। तो ग्रामर में बड़ा, मैं इसीलिए बोलता हूँ, माइक्रो लेवल पे जब तक आप भारत को नहीं समझेंगे ना, आप यहाँ के पब्लिक से, अपने रीति से, यहाँ के रिवाजों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक आप यहाँ के सेंटिमेंट से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो एक ही कंडीशन है जीतने की, आप बैठ के वेट करिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। जब पब्लिक सत्ता पक्ष से ऊब जाएगी और एंटी इनकम्बेंसी के कारण अपने आप पब्लिक जब दूसरा ऑप्शन ढूंढेगी, तब वहां पे आपका नंबर आ सकता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अपने हिसाब से हम सत्ता पक्ष को हटा दें, तो वहां पे आपको भारत के रीति रिवाज, पॉलिटिकल रीति रिवाज, पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझना पड़ेगा और बहुत घूमना पड़ेगा, पदयात्रा करनी पड़ेगी आपको। यहाँ के धर्म को समझना पड़ेगा, धर्म के मर्म को समझना पड़ेगा, यहाँ के जीवन शैली को समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या बहुत सारे नेता पुत्रों को तो ये भी पता नहीं होते हैं कि सामान्य जीवन में लोगों को प्रॉब्लम क्या क्या है, नॉर्मल गांव में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, किन चुनौतियों से आदमी, बड़ी बेसिक चुनौतियों के लिए वो जूझता रहता है कि हमारे घर पे नल लग जाए या कुछ ऐसी चीज, बड़ी सिंपल सिंपल चीजें होती हैं, वो चीजें कर नहीं पाते हैं। तो जो जो नेता पुत्र है के, मैं उनको ये बोलूंगा कि बेटर यू लीव द पॉलिटिक्स एंड ओपन एनी कंपनी, या कहीं कंपनी में जाके सीईओ वगैरह बनिए, या हार्वर्ड वगैरह में जाके कहीं लेक्चरर वगैरह बनिए, तो आप वहां पे बहुत अच्छा। देखिए, अब भारतीय राजनीति बदल गई है, मैं आपको बता दूं, तो जैसे शशि थरूर जी हैं, तो ही इज बेटर फिट एटलीस्ट इन करंट सिनेरियो, ही इज बेटर फिट एज ए लेक्चरर और प्रोफेसर इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रेदर देन पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स। या एक ब्यूरोक्रेटिक जो ग्रुप होता है वहां पे, वो बड़े सुटेबल है, हाई क्लास की जो सोसाइटी होती है, हाई फाई इंग्लिश बोलना, ये करना वो करना, ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे जब तक अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे। मिश्रा जी, आपने कई सारे पॉइंट्स इसमें राइज किए हैं, लेकिन इसको मैं एक पॉइंट से जरूर कनेक्ट करना चाहूंगी। आपको याद होगा कि जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था और जिन्हा कांग्रेस के ही लीडर थे, और जिन्हा एक ऐसी शख्सियत थे अपने दौर में कि जो हाईली रिच तो थे, हाईली हाईली क्वालिफाइड भी थे, लंदन से पढ़े लिखे इंसान थे, वो यूके यूरोप का इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर, कभी अचकन और वो सब चीजें उन्होंने कभी पहनी भी नहीं थी जब तक कि वो मुस्लिम लीग में नहीं एंटर कर गए थे। सेम यही कंसेप्ट अगर हम उस दौर का कनेक्ट करें गांधी आज जी से, का भी तो यही था, जी, लेकिन गांधी जी आप भी आज कोट के और टाई आज पहनते थे। जी वो अफ्रीका में पहनते थे, लेकिन भारत आए, यस, भारत भ्रमण किया और तब वो अपनी धोती पर आए, क्योंकि उन्होंने देखा आधा हिंदुस्तान तो ये भी नहीं पहन पाता है। राइट, लेकिन मैं जिन्हा को इसलिए कोट करना चाह रही हूँ कि सेम पैटर्न पे इस वक्त ओबीसी हमारे देश में चल रहे हैं। बैरिस्ट्री की उन्होंने लंदन से की है, एकदम वेस्टर्न लाइफस्टाइल को देखने के बाद जब वो भारत में आए, सियासत में आए, तो वो अचकन पहनना उनका, और वो ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से मुस्लिमों का मसीहा के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहे, और किसी भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं ऐसा नहीं होता कि उनकी पार्टी आज इलेक्शन नहीं लड़ रही है। तो क्या आप इस चीज को सेम प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू होता देख रहे हैं कि एक अलग ही जिन्हा हमारे देश में चल रहे हैं, और अगर वो जिन्हा के रूप में ही अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में यस, जी ये आपने पहली बार ये चीज, और मेरे मन में बहुत दिनों से मैं इस चीज की एनालिसिस कर रहा था, और मैं सोच रहा था कि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जो है इसको ले जाकर के मैं बोलूंगा ये वर्ड, कि ओवैसी मे बी पॉसिबल, ही मे बिकम द नेक्स्ट जिन्ना ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि जी इतनी चीजें उनके अंदर सिमिलर हैं। जिस तरीके बिल्कुल से जिन्ना ने एक्टिविटी की थी, आप इनके एक्टिविटीज को देखिए, जब तक भारत के डिवीजन की बात नहीं उठी थी, यानी जिस दिन ये डिक्लेयर हो गया कि भारत को स्वतंत्रता मिलेगी, ऑल ऑफ सडन जिन्ना ने अपना स्टैंड बदल दिया। उसके जी पहले जब तक वो कमजोर थे, तब तक तो ऐसी वो कोई बात ही नहीं करते थे। उनका दूसरा फेस कब आया? तो कुछ ऐसे लोगों को हमेशा पहचान के रखना चाहिए। अगर देखिए, मैं आरोप या किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं उन चीजों को सोच के चलना चाहिए। और आपने जो ये बात बोला है उसको मैं निर्मूल नहीं मानता हूं, उनके कैरेक्टरिस्टिक और इन सब चीजों को देखते हुए ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। ही मे बी टर्न, ही मे टर्न हिमसेल्फ इनटू एज ए नेक्स्ट और फ्यूचर जिन्ना ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इस चीज को भी सोच करके देश की जनता को, और या यहाँ की जो सरकारें हैं
उनको सावधान रहना चाहिए। बीच में कौन, यहाँ तो गली गली, वो बोलते ना हर शाख पे उल्लू बैठा है, मैं तो बोलूंगा जी यहाँ हर शाख पे जिन्ना बैठा है। हाँ, जी कोई जी चिकन बिल्कुल नेक की बात करता है, 30 साल का हुआ नहीं तो अकेले दहाड़ रहा है कि हम चिकन नेक को जो है वो करके कब्जा करके भारत को तोड़ देंगे, पूर्वोत्तर को भारत से अलग कर देंगे। तो यहाँ तो हर शाख पे जिन्ना बैठा है, हर गली में जिन्ना बैठा हुआ है। तो इन सब चीजों से टीवी डिबेट में देखिए ना कितने जिन्ना आते हैं, आप जी उनको जिन्ना से कम मत समझिए। आपके प्रोग्राम में मैंने देखा है कि आपने तो जी उनको बुलाया एज ए स्कॉलर या लीडर करके, लेकिन भीतर से जी वो जिन्ना ही निकले। जी यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मिश्रा जी आज इस पे सवाल नहीं उठाएंगे तो आने वाले टाइम में वो चिकन नक का सवाल नहीं रहेगा। सेंट्रल इंडिया के भीतर भी ना जाने एक बुक लिखी थी राइटर ने कि कितने पाकिस्तान, तो आज भी हमारे देश के भीतर बहुत सारे पाकिस्तान हैं, पीसीज में ही हो भले ही, लेकिन वो है, अगर वो एकजुट हो जाते हैं तो जाने क्या होगा। मैं अपना अगला सवाल लेती हूँ। अनिल शुक्ला जी ने आपसे एक सवाल पूछा है, बीजेपी हैज सक्सेसफुली जनरेटेड पॉपुलेशन इश्यू इन द मैसेज मासेज, पब्लिक इज ऑल्सो अवेयर दैट लॉट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इज टेकिंग प्लेस थ्रू वेस्ट बंगाल विद द लोकल सपोर्ट, व्हाइल बीजेपी गॉट नेशनल सपोर्ट ओनली, ममता मेड नो एफर्ट्स टू काउंटर दैट सेंटिमेंट, व्हाट डू यू थिंक? 100% राइट है मैम। आप ये देखिए जम्मू कश्मीर में, आप देखिए 10,000 रोहिंग्या को बसा दिया, जी बांग्लादेश से या रोहिंग्या वहां से चल करके अब हमारे जम्मू कश्मीर में बसते चल, हर जगह ये मिलेंगे। बांग्लादेशी जी जो हैं आप ये देखिए घुसपैठिए जो है, या रोहिंग्या आपको हर जगह मिलेंगे, और ये फैक्ट है। अगर हम अभी अगर हमने आंखें नहीं खोली तो होगा क्या, हमारे रिसोर्सेस पे मेहनत हमने की, जो यहाँ के नेटिव लोग हैं उन लोगों ने इस देश को बनाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया, और यहाँ पे आ करके वो कहीं ना कहीं जो है उस पर कब्जा कर लेते हैं इनडायरेक्ट और लेटेंट वे में। डायरेक्ट हो सकता है शुरू में आपके घर पे आके वो कब्जा नहीं कर रहे हैं कहीं खाली मैदान में, लेकिन अगर वो यहाँ रह रहे हैं और यहाँ के सिटीजन नहीं है तो दवाएं तो चलती हैं, सरकार देती है ना, खाना वो यहीं से खाते हैं ना, हर चीज यहीं से लेते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में तो हम ही लोगों के पैसे से वो जा रहा है ना भाई, हम ही लोगों के पैसे से, टैक्स से उनको दवाएं मिल रही हैं, उनको खाना मिल रहा है, हम जो पैदा कर रहे हैं अपने देश में तो वही खाना वो भी शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेहनत हम कर रहे हैं वो एज ए ड्रेनेज की तरह जा रहा है। मैं इसलिए देखिए, मैं इसलिए भी नहीं बोलता हूँ कि वो बाहर के हैं तो उनको भगाइए, सुरक्षा कारण वगैरह है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विकास के मामले में सरकार और हम लोग इतना टैक्स देते हैं, टैक्स देते देते हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं ठीक से, और ये आकर के सुरसा की मुंह की तरह हर बार हम जितना ग्रोथ करते हैं उसको ये खा पी करके बराबर कर देते हैं, हम वहीं पे फिर आकर के खड़े हो जाते हैं। अदरवाइज 70 साल बहुत होते हैं मैम किसी को डेवलप करने के लिए, किसी कंट्री के लिए। अगर ये अपीजमेंट की चीजें खत्म कर दी जाए ना, एक सेक्टर तो बहुत अच्छा काम कर रहा है या एक पर्टिकुलर क्लास तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक दूसरा क्लास उसी चीज को, जिस चीज को हम 20 रुपए किलो खरीदते हैं फ्री में या 2 रुपए किलो में, किलो में खरीद के सड़कों पे जो है तोड़ फोड़ करना और आग लगाना और ये करना, तो आप देखिए ना जितना डेवलपमेंट यहाँ के मेहनती लोग, ऑनेस्ट लोग अपने देश के कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो बाहर से आए हुए हैं वो उस सारे डेवलपमेंट को निगेटिव कर दे रहे हैं। तो इनको तो केवल निकाला ही नहीं जाना चाहिए, रूल्स तो इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि एक मिशन चले ऐसे लोगों को। मैं तो बोलता हूँ हर आदमी का, खैर अब ये हो भी गया है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है कि एक यूनिवर्सल उनको एक सिम कार्ड मिले या जैसे डेबिट कार्ड होता है उस तरीके से मिले, उसमें उनका सारा डिटेल होना चाहिए, कितना आपने जॉब किया, आपकी एज, मदर फादर, आपकी पूरी हिस्ट्री हो, म्यूटेशन कहाँ से कहाँ चल के आप, इवन कहाँ ट्रेवल किए, क्या किए, हर चीज होनी चाहिए। हमें अपनी प्राइवेसी थोड़ी सी यहाँ पे त्यागनी पड़ेगी, हमको अपनी प्राइवेसी से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल ये है कि कई सालों के लिए, कई पीढ़ियों के लिए हम सुरक्षित हो जाएंगे। सुरक्षा के लिए हर चीज, देखिए इतनी बड़ी बाउंड्री वॉल आप अपने झोपड़ी के सामने भी, एक झोपड़ी भी जो बनी रहती है ना तो कुछ नहीं तो डंडों से या कांटों से वो उसकी जो है बैरिकेटिंग करता है चारों तरफ, तो पूरे देश के बैरिकेटिंग की अगर बात आती है तो जितने पॉसिबल तरीके हैं फिजिकल बैरिकेटिंग की जाए सारे बॉर्डर पे, मिलिट्री बीएसएफ को एक्टिवेट किया जाए, जो अंदर घुस आए हैं उनकी पहचान की जानी चाहिए और पहचान करके उनको भागे। बांग्लादेश जैसा देश जो है उसने रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश में नहीं बसाया, देश के जी बाहर बिल्कुल समुद्र में एक टापू है वहां जाकर बिल्कुल के उन्होंने बसाया, एक भी इवन पाकिस्तान मुसलमानों का मसीहा बना हुआ है
एक रोहिंग्या को उसने इंटर नहीं करने दिया अपने यहाँ, लाहौर में नहीं बसाया उसने किसी को, क्यों नहीं इंटर करने दिया गया? तो इन साजिशों को हमें समझना, और ये साजिश हो या चाहे जो भी हो, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आप अगर कहीं पे भी हैं रोहिंग्या की मैं अगर बात करूं, तो उनको ये अकल होनी चाहिए कि आप जहां हैं वहां मिलजुल के रहिए और रिस्पेक्ट करिए वहां के कल्चर और सिस्टम की। हाँ, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप रोहिंग्या बनेंगे। यही चीज मैं अपने देश, जो यहाँ पे रह के यहाँ की चीजों को गाली देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उछलते हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ, भाई आप भी रोहिंग्या बन जाएंगे, इस सपने में मत रहिए। अगर मैं यूके जाता हूँ, अगर मैं वहां प्रवासी हूँ, तो मेरा एक दायित्व तो ये भी है कि मैं वहां की चीजों को रिस्पेक्ट करूं, वहां के लॉ को मैं फॉलो करूं। आप ये बोलिए कि हम एकदम निर्द्वंद नागा साधु की तरह अखाड़े में कूदते रहे, जैसे मन होगा वैसे करेंगे, नागा नागा भी बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं। मैं आपको बता, हमारे यहाँ जो नागा साधु हैं, जो दुनिया, जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, मतलब दुनिया से बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी बड़े डिसिप्लिन्ड है। तो आप कहीं पे भी रहिए, वहां का जो लैंड का जो रूल है, लैंड लॉ, जो नेचुरल रूल है, वहां की जो मान्यताएं हैं, आप उसको फॉलो करिए, बीइंग अ गुड ह्यूमन। ऐसा नहीं है कि आप यूके चले गए और आप बड़े पावरफुल हैं, कितने भी पावरफुल हैं, तो वहां के लोगों को डिसहर्ट करना शुरू कर दें, कहीं नहीं। मैंने आप एक डिबेट में आप लोगों को बोला था कि पर्टिकुलरली आप या जो और एनआरआई हैं, दे आर द रियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया। मैं किसी नेताओं का को या हीरो और सचिन तेंदुलकर को रियल ब्रांड एम्बेसडर नहीं मानता हूँ। इंडिया की इमेज अगर बाहर बनी है तो आप लोगों से बनी हुई है, क्योंकि आप वहां पे भी डिसिप्लिन वे में रहते हैं, आपके बगल में पाकिस्तानी रहते हैं, वो तो इंडिया की ऐसी इमेज नहीं बना पाया ना, क्योंकि वो वहां पे भी रोहिंग्या की तरह बिहेव कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मानना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे है वैसे है। तो रियल ब्रांड आप लोगों ने बनाया है जो इंडियन, ये आप कल्चर है, देखिए पीढ़ियों से जो कल्चर हमको मिलता आ रहा है, हम अपने यहाँ भी डिसिप्लिन वे में रहते हैं, हम बाहर भी डिसिप्लिन वे में रहते हैं, हम मानवता को पहले मानते हैं, और मानवता के खिलाफ कोई आदमी है उसको पकड़ के बाहर करिए देश से, पहले पानी की आपने सजा बिल्कुल ठीक दीजिए। कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा मिश्रा जी। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी। जिस तरह से आपने कहा कि इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर एनआरआईज हैं, इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ। आप दुनिया भर में हिंदुस्तानी मौजूद हैं, भारतीय हर हर धर्म समुदाय के लोग मौजूद हैं। उसके पैरेलली हम लोग तो जाते हैं लीगल वे से, मेजोरिटी ऑफ द भारतीय जाते हैं लीगल वे से, कुछ इलीगल वे से भी जाते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द कंडीशन। पैरेलली आप देखिएगा दुनिया भर में जहां जहां भी पाकिस्तानी मुस्लिम्स मौजूद हैं, और नो डाउट जो असाइलम लेके जाते हैं वो तो रेशो इनका बहुत तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन जो लीगल वे से भी जाते हैं, जो वहां पे जो बिजनेस सेट करते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप किसी भी पाकिस्तानी का जो हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में होगा, जो रेस्टोरेंट के बिजनेस में होगा, उसके रेस्टोरेंट का नाम आप भारत से जुड़ा हुआ पाएंगे। किसी वेस्ट रेस्टोरेंट पे ये नहीं लिखा होगा कि पाकिस्तान रेस्टोरेंट। पूरे दुनिया के आप कहीं भी कितना ही सर्वे कर लीजिएगा, इसी से आपको एहसास हो देखिए जाएगा कि मैं इवन मैं आयरलैंड के यहाँ के कुछ पाकिस्तानी लोग, उनके रेस्टोरेंट्स हैं, उनके नाम क्या हैं? ताजमहल रेस्टोरेंट्स, दिल्ली रेस्टोरेंट्स, भारत रेस्टोरेंट, लेकिन अंदर तो पूरा स्टाफ और पूरा खाना और सब कुछ वो पाकिस्तानी, ओनर भी पाकिस्तानी है। लेकिन ये बताता है कि भारत का नाम देख के लोग जाते हैं वहां, खाना खाते हैं, वो बिलीव, सर्वाइव करते हैं। हाँ देखिए बिलीव हमारे कल्चर के ऊपर लोगों का बिलीव है, और हजारों साल जी। हमने मेहनत करके, ईमानदार रह करके हमने ये चीज जो है, ये रेपुटेशन हमने जो है कमाई है। ऐसे नहीं है कि आपको, आपके ऊपर कोई ऐसे, और आप रही बात आयरलैंड और यूके की कर रही हैं, आप हैदराबाद में चले जाइए, वहां पे कितने मुसलमान हैं ऐसे जो कि रेस्टोरेंट चला रहे हैं, लेकिन उसका नाम जय शिव शंकर ये इस तरीके से करके हैं। जी और ये चलिए ठीक है, मैं उसको भी बुरा नहीं मानता हूँ। यहाँ पे कई लोग विलफुली, कई ऐसे शॉप्स यहाँ पे खबरों में आए हैं कि उसके ओनर तो अब पूछिए मत कौन है, लेकिन जी जी उन्होंने नाम और सिस्टम वगैरह सब ऐसा करके रखा हुआ है ताकि भाई इनकम कहाँ से होगी। ये देखिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपने यूके में रेस्टोरेंट खोला हुआ है, तो आपके जो मेजोरिटी जो कस्टमर होंगे वो तो वहीं के लोग होंगे ना, वहां के ऑफ कोर्स नेटिव होंगे ना। हाँ, तो यहाँ पे भी ये है। अच्छा, अब कुछ ऐसे इन लोगों की हरकतों के कारण ये प्रॉब्लम्स ऐसी आनी शुरू हो गई कि लोग थोड़ा सा चूजी और सेलेक्टिव होना शुरू हो गए। भाई आप हलाल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आप लाओगे तो दूसरा आदमी भी तो कॉन्सेप्ट लाएगा ना, हर कंज्यूमर फ्री है ना कि कौन सा चीज उसको लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कहाँ से लेना है। देखिए विराथू जो थे म्यांमार, यहाँ पे जो ये हुआ था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही तो किया ना, जब आतंक बहुत बढ़ गया तो उन्होंने असहयोग शुरू कर दिया कि भाई इकोनॉमिक असहयोग देख करके, आप जी भिक्षा भी लेते हैं तो देख करके लीजिए। तो है क्या,
मैं रियल ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बोलता हूँ कि आप देखिए, ग्लोबल जितनी भी खबरें आती हैं, शायद ही कोई खबर आपको ऐसी मिलती होगी कि इंडियन ने कुछ गलत किया। हाँ, और इंडियन में भी, वो भी पर्टिकुलरली जो इंडिया, इंडियन लैंड के जो नेटिव धर्म है, यानी जो यहाँ से जी पैदा हुए हैं, सनातन हो गया, हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, सिखिज्म हो गया, ये सब धर्म जो यहाँ से पैदा हुए हैं, उन लोगों के कभी आप खबर नहीं देखते होंगे कि उन्होंने कोई ऐसा कुछ गलत किया। कोई खबर आप नहीं देखते होंगे, एक्सेप्ट खालिस्तान का कनाडा में कुछ आ रहा है अभी, वो भी बहुत हल्के हैं और दुनिया उनको जान गई है। लेकिन एक आम भारतीय जो भारतीय सभ्यता को मानता है, भारतीय परंपराओं को मानता है, जो अरब की परंपरा को मानता है, भारत में रह के मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे आप उनको, उनसे जो है शिकायत नहीं मिलेगी। चाहे वो कम कमा रहे हैं, चाहे ज्यादा कमा रहे हैं, वो भी खुशी हैं और उनके अड़ोसी पड़ोसी भी खुशी हैं। अब भारतीयों को कहाँ डिपोर्ट किया जाता है? कहीं डिपोर्ट नहीं किया जाता है। अरब अरब में आप देखिए अभी कितना आया कि उन्होंने अपने नियम बदल दिए, सऊदी अरब और गल्फ की कंट्रीज ने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया, ये सब एक खास पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। तो डिसिप्लिन्ड होना और हमेशा अपने सुख या अपने फायदे की बात नहीं, हमारे कल्चर की ये खूबी है। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि गुजरात से, पंजाब से, आप लोग जहां से भी बाहर गए हैं, वहां जाने के बाद भी ठीक है, सब कुछ एजुकेशन वगैरह भले ही आप लोगों ने मॉडर्न ले ली हो, लेकिन जो आत्मा होता है, यानी जो कल्चर है, वो आप लोगों ने छोड़ा नहीं है। वही कल्चर अभी भी वहां पे है और इसीलिए आप लोग लीड कर रहे हैं। बाहरी सात समुंदर पार जाकर के भी आप वहां की जनता का, वहां के सरकार का, जो आप लोगों ने विश्वास जीता है ना, जो विश्वास, जो बिलीव जीता है, तभी तो अमेरिका में चुनाव होते हैं, तो भारतीयों के खेमे में सारे राष्ट्रपति के उम्मीदवार जाते हैं, क्योंकि विश्वास आप लोगों ने जीता है। जी तभी तो भारतीय महिलाएं या भारतीय लोग देखिए तो वहां पे वो लोग मंत्री और मिनिस्टर भी बन रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी अब एक्टिव हो रहे हैं। एक विश्वास को डेवलप करना, हजारों साल से हमने इस विश्वास को जीता है ना, ये कोई आज का नहीं है, ये हमारे जेनेटिक में है और ये गर्व करने वाली बात है। बिल्कुल आपने सही कहा मिश्रा जी। ये अलग बात है कि अपने देश के भीतर ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो न केवल अपने कुछ स्वार्थों के लिए इस विश्वास को तोड़ने पे लगे हुए हैं, इवन इसका नैरेटिव भी कुछ इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर वो फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यहीं पे सब कुछ खराब हो रहा है, बाकी सब कुछ तो बहुत ही शानदार है। इसमें हम मीडिया वाले भी बहुत इन्वॉल्व हैं इस चीज के लिए, जो अपने ही देश का नैरेटिव नेगेटिव बनाकर और पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने आप को लेवल पे नीचे दिखाकर उनको शायद कुछ संतुष्टि मिलती है। मैं अपना अगला सवाल लेती हूँ मिश्रा जी। जिस तरह से आपने अभी एक्सप्लेन किया कि रोहिंग्यास पे जैसे हमने बात की और हम पूरा देश का, हमारा चाहे कोलकाता से लेके वेस्ट बंगाल से लेके अपना कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे देश के हर कॉर्नर में ये लोग पहुंच चुके हैं, आप सोचिए कितनी हैरानी की बात है। वो म्यांमार, वो बर्मा, जहां पर नोबेल पीस प्राइज विनर रहती हो, जो उनकी राष्ट्रपति रही हो, और उस देश से अगर इन्हें इन्हें निकाला गया या आर्मी की ओर इनकी झड़प हुई, तो वो किस तरह के, तो वो खुद शांति का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे थे और किस तरह से इन लोगों ने अपने आप को बिल्ड किया हुआ था कि क्लैश उत्पन्न हुआ। ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। और जिस तरह से बांग्लादेश ने, आप देखिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मंच पे किसी ने बांग्लादेश से सवाल नहीं किया कि उस टापू पर आपने क्यों भेजा बाई चांस, और वो टापू भी रिस्की जोन वाला टापू है, वो ऐसा नहीं है कि वहां पे एक महफूज जिंदगी जी जा हाँ, सके। लेकिन भारत में अगर जरा सा भी कुछ होता है तो हमारे प्राइम टाइम पे भी इन लोगों को बिठा लिया जाता है, इनसे बातचीत। इवन मैंने कुछ प्राइम टाइम पे ये भी इंसिडेंट देखे, वो रोहिंग्या बैठे हुए हैं, वो इतना अग्रेसिव होके हम लोगों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि अगर हम, दादागिरी कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, वो आपने भी जरूर देखे होंगे। तो आप देखिए हम किन को मंच दे रहे हैं, जो कल को थोड़ा सा अपने पैरों पर स्ट्रोंग होके हमें ही अगर झड़प मारने को, हमें ही पंजा मारने को तैयार हो जाएंगे, तो हम उनके डिफेंड में कैसे खड़े हो सकते हैं। दूसरी चीज, अभी कुंभ मेला हुआ आपने देखा होगा, वहां मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखा था, स्वीडिश एक नागरिक थे जिन्होंने 5 साल पहले एक टारगेट फिक्स किया था कि मैं भारत का कुंभ मेला जाऊंगा। 4 साल वो पैदल यात्रा की उन्होंने स्वीडन से लेकर भारत तक, और ये 5वें साल में अभी वो कुंभ मेले में मौजूद थे। तो उनसे जब पूछा गया कि मतलब पैदल आने का इतनी दूर से क्या कंसर्न था और कैसे आए, तो ये वो सही कि जहां नींद आती वहां सो लेता हूँ, फिर यात्रा शुरू कर देता हूँ, और सारे देशों में एक देश से दूसरे देश पहुंचता हूँ, वहां से आगे का वीजा बनवाता, वो भी बड़ा दिक्कत है। स्वीडन यूरोप को क्रॉस करते हुए एशिया से, जाहिर सी बात है वो ईरान पाकिस्तान उस बॉर्डर के रास्ते इंडिया में आया आया और फिर यहाँ पहुंचा। तो ये भी एक भारत के प्रति प्यार दिखाता है, भले ही गोरे लोग बहुत कम रेशो में हो, लेकिन यस भारत का एक नैरेटिव फिक्स हो रहा है वही। लेकिन दोबारा से मैं अपने वेस्ट बंगाल के इलेक्शन पे आती हूँ,
ये तो हमने बाहर की बात की कि हिंदुस्तान का किस तरह से नैरेटिव बन रहा है। ममता दीदी पर यह आरोप लगते रहे हैं, और वो ये सच भी है कि जब दुर्गा पूजा होती है, जब हमारे नवरात्र चल रहे होते हैं, तो मोहर्रम का जब जुलूस निकलना होता है तो पंडाल के पर्दे डलवा दिया जाते हैं। तो दुनिया किस तरह से भारत को देख रही है, और हमारे देश के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपने लोगों को दो धर्मों में डिवाइड करके किस तरह से, ये वोट की सियासत ये कहाँ लेके जाएगी देश को? देखिए, ये यही एक सियासत हुई थी जब देश का बंटवारा हुआ था। ये कुछ इस तरह की ही सियासत हुई थी। आइडियोलॉजी तर्क सेम थे कि भाई हम लोग हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, ये है वो है। वही सियासत यहाँ पे भी चल रही है। पॉलिटिकल पार्टियां अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि बड़े आराम से आजादी के टाइम पे भी एक भूखंड को अलग करके दे दिया गया। हाँ, ये कि भाई खून खराबा ना हो, तो ऐसा तो है नहीं कि अलग करने पे खून खराबा नहीं हुआ, बहुत खून खराबा हुआ था बंटवारे के टाइम पे। आज भी वही चीज है, लोगों को ये लगता है, पॉलिटिकल पार्टियों को ये लगता है कि ऐसा कर देने से 20% 25% जो वोट का हिस्सा है वो हम जीत जाएंगे, ताकि वो कुर्सी पे बैठे रहें। देखिए, ये चीजें होती हैं जब आपका स्वार्थ राष्ट्र से ऊपर हो जाता है, राष्ट्र के ऊपर आपका स्वार्थ हावी हो जाता है ना, तो आप इसी तरीके की बातें आप करते हैं कि वहां पे आप राष्ट्र नहीं देखते हैं। हाँ, और वहां पे आप सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ भाई जो है हम चुनाव जीत जाए। ये सिंपल किसी भी नेता ने, केवल एक नेता की ही बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेता बैठे। एक कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता है, उन्होंने बहुत पहले 2014 के पहले स्टेटमेंट दिया था, तो गृह मंत्री थे, कि अब हम आएंगे तो जो है हम, उन्होंने बोला था कि हम ऐसा कानून बना रहे हैं कि दंगे कोई भी करे कहीं पे भी होगा, लेकिन जिम्मेदार बहुसंख्यक ही होगा। बड़ी आलोचना हुई थी और उस पे वाकई में लोगों को क्रोध आएगा, ये कौन सी न्याय व्यवस्था और कौन सा बिल आप ला रहे हो। हालांकि वो बिल आया नहीं, लेकिन अगर वो बिल आ गया होता तो ये क्या है, ये अपीजमेंट है। लेकिन वो सिचुएशन अब बदल गई है। अब धीरे धीरे जो इस तरीके के लोग हैं ना, उनको पब्लिक ही अपने आप जवाब दे रही है। इधर लोग बोलना शुरू करते हैं और उधर जो है पब्लिक जो है ट्विटर फेसबुक वगैरह पे इन लोगों का जो है हिसाब किताब बराबर करना शुरू कर देती है। आप ये देखिए, यहाँ की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, महाराष्ट्र में अगर गणेश उत्सव हो रहा है तो हम गणेश उत्सव को क्यों बंद करेंगे, हम क्यों उस पर पंडाल डालेंगे या पर्दा डालेंगे। अब ऐसी कौन सी कोई गलत चीज कर रहे हैं क्या कि भाई आप पर्दा डाल दो, त्रिपाल डाल दो, उसको छुपा दो। बंगाल में शक्ति की पूजा हो रही है, दुर्गा पूजा हो रही है, तो उस पे और वो भी एक महिला के द्वारा, ममता बनर्जी भी महिला है। इतना जी कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन उनका, जिससे बंगाल के हिंदुओं का या बहुसंख्यक या जो भी समझदार वोटर है, अगर मुस्लिम भी अगर समझदार है और अपने देश से मोहब्बत करता है तो वो भी उनको गलत बोलेगा। इसीलिए बहुत सारे मुस्लिम भी टूट करके जो है टीएमसी के अगेंस्ट हो गए हैं, बहुत सारे वोटर अगेंस्ट हो गए हैं। इन सब चीजों से आपको शॉर्ट टर्म गोल तो मिलता है, आप चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन रियल ग्रोथ और रियल प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है। लोगों का जो है वहां पर रियल डेवलपमेंट नहीं होता है, और यही हुआ जिसके कारण हम डेवलप नहीं कर पाए। समस्या अभी भी बची हुई है, और उसके पीछे एक कारण ये भी है कि अगर घुसपैठियों को हटा दिया जाए या कुछ ऐसे तत्वों को सही कर दिया जाए तो अपीजमेंट अपने आप बंद हो जाएगा। एक ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है जो चल रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है सरकार कोई भी रहे, यहाँ की पब्लिक जिस हिसाब से जागरूक हुई है, मैं ग्रुप में देखता हूँ, व्हाट्सएप वगैरह में इस तरीके से बातें चल रही होती हैं, सभ्य तरीके में, मतलब कि संविधान के हिसाब से उचित है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जो संविधान के हिसाब से गैर कानूनी हो। सही तरीके से लोग लॉजिकल बात कर रहे हैं, ये जागरूकता बनी रहनी चाहिए। सारे नेता, वो चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, सारे नेता सही रहेंगे। जब ये जागरूकता बनी रहेगी, लोग इन चीजों के लिए सवाल पूछते रहेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आए, सिस्टम कोई भी हो, हाँ, वो जागरूकता अगर ये बनी हुई है तो वो डिसीजन देश के हित में लेगा, राष्ट्र के हित में लेगा। मैं किसी एक समुदाय विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, जो भी होगा वो सारी जनसंख्या के हित में होगा। और ये प्रेशर भारत की जनता को सारे सरकारों के ऊपर बना के रखना चाहिए। और लगता भी कितना है, अगर किसी ने कोई गलत बात बोली तो आपको ट्वीट करने में 2 मिनट लगता है। आप 2 मिनट का टाइम राष्ट्र के नाम पे दीजिए, अपोज तो करिए ना। कोई ठीक है, आप कोई अगर टीवी पे ऐसे डिस्प्यूटेड पैनलिस्ट को बैठा रहा है, और अगर उस पैनलिस्ट को मौका मिला, और इक्विवेलेंट टू राष्ट्रद्रोह, मैं राष्ट्रद्रोह तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो पढ़ा लिखा है, होशियार है, उसको एंकर ने या किसी टीम ने, एडिटोरियल टीम ने समझा दिया है, ट्यूशन दे दिया है कि भाई तुम इस बात को इस तरीके से बोलना,
होता है तो ये, उसका होता है ये जवाब, मिश्रा जी। उसका जवाब देने के लिए हम और आप हैं, या बहुत सारे और भी बड़े बुद्धिजीवी हैं जो उस पे कमेंट डालते हैं प्रोग्राम पे। मैं एक आपको जी बताऊंगा, किसानों का आंदोलन चल रहा था, एक बड़े नामी गिरामी जो है एडिटर इन चीफ रहे हैं कई चैनल के, वो आजकल यूट्यूबर बने हैं बेचारे हैं, जी अपना माइक लेके पहुंच गया वहां पे। अब उससे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका क्वेश्चन कम से कम 10 मिनट लंबा था। अब मैं उनके क्वेश्चन पूछने के तरीकों को देख देख रहा था, तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में उसको बता रहे हैं कि तुमको क्या बोलना है। भाई जी क्वेश्चन बिल्कुल 2 लाइन 3 लाइन मैक्सिमम, लेकिन वो तो आंसर ही दिए जा रहे हैं, और इतने में तो कोई भी बेवकूफ आदमी समझ जाएगा कि मुझे क्या बोलना है। तो इस तरीके से ट्यूशन भी दिया जाता है। जी बिल्कुल मिश्रा जी, ये तो हो ही रहा है। खैर अभी लेकिन मैं इस चीज को कनेक्ट करना चाहूंगी, लाहौर जिस तरह से जला हम लोगों ने देखा, पाकिस्तान की सरकार ने हथियार टेक दिए हैं, ये जो एक्सट्रीमिस्ट तत्व वहां पर तो खैर पहले से ही वो बना ही इस चीज के बेस पे था, और 74 सालों से यही चीज चल रहा है। लेकिन यही एक्सट्रीमिस्ट चीज हमारे देश में भी हम लोग देख रहे हैं। हमारे मुल्ला मौलवियों को तो आप छोड़ दीजिए, हमारे किसी भी रिलीजन में हम जब जाते हैं तो सभी में कहीं ना कहीं वो कट्टरता उभर कर तो निकल कर तो आ ही रही है। हो सकता है आज वो हमें घातक ना लगे, और इसका एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल इस टाइम में सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है, इवन आपका केरला में भी हो रहा है, आपका साउथ वाले पोर्शन को भी आप ले लें। तो साउथ कभी एक तरह से आपको पता है कि हमारा स्टार्ट ही एक तरह से वहीं से हुआ है, वहां पे ब्राह्मणों का, और हमारा बहुत ओरिजिनली इंडियंस का जो है वो कहा जाता है वो साउथ से कहा जाता है, लेकिन वो अब इस्लामीकरण भी हो रहा है वहां पे, और इस्लामीकरण के साथ ईसाइयत वाला भी हो रहा है वहां पर, बड़े मास लेवल पे चल रहा है। मैं एक चीज इस पे आपका जरूर जानना चाहूंगी कि जो हमारे यहाँ पे ये जो खुला समाज है, जो सर्वधर्म समभाव को हम गले लगाने वाली बात करते हैं, क्या हमारी सरकारें कोई इस तरह का पॉलिसी नहीं लेके आ सकती कि जो ये कन्वर्जन होता है किसी भी धर्म में हो, चाहे ईसाई मिशनरीज भी कन्वर्जन कर रही हैं, मुस्लिम मदरसेज, मौलवीज वगैरह ये भी कन्वर्जन कर रहे हैं, तो इस पर रोक लगाए, अगर वक्त रहे तो इस पर रोक लगा दी जाए, तो ये सर्वधर्म समभाव वाली सिचुएशन ज्यादा बेहतर सिचुएशन नहीं हो सकती है क्या मिश्रा जी? मैम देखिए, सर्वधर्म समभाव, इतने डाइवर्सिफाइड जो कल्चरली हमारा देश डाइवर्सिफाइड है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। एक बार जब मैं एमबीए कर रहा था महाराष्ट्र में, तो अपने एक दोस्त के साथ उसके गांव में गया था, तो वहां पे एक उस वक्त बहुत अच्छी जीप आई, एयर कंडीशन जीप थी, उसमें कुछ क्रिश्चियंस के जो है मिशनरीज लोग बैठे हुए थे। तो मैं दूर से खड़े होकर देख रहा था, तो गाँव के जो लोग थे मैं भी ठीक है, वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उतने होशियार नहीं थे, हाँ उनको वो बहुत इजीली कन्विंस कर ले रहे थे, किताब उताब दे के समझा रहे थे सारी चीजें। तो मैं गया वहां पे, मैंने इंटरफियर किया, तो वो गोरा था और इंग्लिश में बोल रहा था, तो उसने सोचा कि हम इसको भी कन्विंस कर लेंगे, उसने भी हमें किताब दिया और अपना वही फिलोसफी झाड़नी शुरू की। तो मैंने उससे एक ही क्वेश्चन पूछा कि व्हाई आई शुड ज्वाइन योर रिलीजन, टेल मी ओनली वन रिलीजन। उसने बोला कि दिस गॉड इज ग्रेट, ये वो। हमने बोला यार आपके यहाँ एक गॉड ग्रेट है, ठीक है मैं मानता हूँ, मैं उसको डिसोबे नहीं करता हूँ, हमारे यहाँ तो कितने 84 करोड़ गॉड है ना जो कि ग्रेट है, हम इतने रिच हैं हर मामले में कि हमारे यहाँ अकेले महाराष्ट्र में ही 5-6 तरीके की मराठी लोग और मराठी कल्चर पाए जाते हैं, यूपी में अवधी भाषा भोजपुरी भाषा कितनी, मतलब कितने रिच है। अगर हम इतने रिच हैं तो हम मोनोटोनस नेचर वाला जो रिलीजन है हम उसको क्यों ज्वाइन करें, यू टेल मी। काफी देर तक बहस करता रहा, वो झल्ला गया। मैंने उसको बोला कि दोबारा मत आना आप। सबसे पहली चीज ये होती है जागरूकता, अगर हर आदमी जागरूक रहे ना, मैं बोलता हूँ ठीक है आप आइए अपने धर्म का प्रचार करिए, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं आपकी बात को सुनूंगा, हाँ क्योंकि मैं सारी चीजों की एनालिसिस करके बैठा हुआ हूँ, मुझे अपने रिलीजन में इतना फेथ है या बिलीव है और वो साइंटिफिक है, इतनी फ्रीडम मुझे मिली हुई है, मैं तो बोलता हूँ मोस्ट लिबरल, इससे ज्यादा फ्रीडम आपको कहीं मिली नहीं सकती है, उसका मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। सनातन उसमें आप देखिएगा, हिंदू प्रथा में 7 तरीके के विवाह होते थे मैम, आप कभी पढ़ के देखिएगा कितने तरीके के विवाह होते हैं, 7 तरीके के विवाह होते हैं। आजकल प्रेम विवाह करना लोग बड़ा मॉडर्न समझते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ प्रेम विवाह नहीं होता था, फर्दर प्रेम विवाह में भी कई तरीके के, गंधर्व विवाह, ये विवाह, ये डिफरेंट सब्जेक्ट है, मैं कभी बताऊंगा। हम इतने लिबरल रहे हैं, जिंदगी को खुल के जीने की आजादी, अगर आप सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जो है नहा लेते हैं उठ के, तब भी आप हिंदू हैं, आप 8 बजे सुबह नहाते हैं आप तब भी हिंदू हैं,
और अगर आप नहीं नहाते हैं और राख और भभूत से लिपटे पड़े हैं तब भी आप हिंदू हैं, आपको जी कोई धर्म से बाहर नहीं निकालेगा, आप पूजा करते हैं मान्यताओं को मानते हैं तब भी आप हिंदू हैं, और आप अगर ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं आप तब भी सनातनी हैं, आप तब भी जी हिंदू हैं। तो इतनी लिबर्टी कहीं नहीं मिली है। तो पहला कोशिश ये करना चाहिए कि अगर आप कहीं बैठे हैं और आप अगर मतलब पढ़े लिखे हैं आपको समझ है, तो ये चर्चा पार्क में जब आप बैठे रहते हैं तो होती रहनी चाहिए, बच्चों के सामने, समाज में, सोसाइटी में, ताकि लोग लिबरल हो। देखिए खतरा कहीं से भी आ सकता है। आपको आजकल हम लोग कोरोना के लिए मास्क लगाने की बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही अपनी संस्कृति को भी मास्क लगाना जरूरी है ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो पाए, गलती से भी कोई जो है वहां पे इन्फेक्शन या इम्प्यूरिटी घुस ना पाए। अगर इम्प्यूरिटी घुसती है तो उसको इमिडिएटली एंटी वायरल मेडिसिन या वैक्सीन दे के, कुछ दे के उसको करेक्ट कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो जागरूकता होनी चाहिए कि कोई भी आदमी आ करके, दूसरी चीजें ये होती है, मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कई लोग थे वो बदल गए, वो इसलिए बदल गए कि गरीबी से लड़ते लड़ते भी एक लेवल होता है आदमी का, परेशान हो जाता है भाई, पेट की रोटी के आगे हर आदमी, आग के आगे हर आदमी झुक जाता है, वहां वो चेंज कर जाते हैं। और ये बात मैं उनकी नहीं बोल रहा हूँ जो कि बैठ के टीवी पे भाषण देते हैं, भाषण देना कुछ और है लेकिन प्रैक्टिकल में फेस करना कुछ और प्रॉब्लम होती है। जब पेट की आग नहीं बुझती है ना मैम, तो वो केवल 2 किलो चावल पे भी धर्म बदल लेता है। अब हर आदमी महाराणा प्रताप या राम नहीं होता है, इतने जो है सहनशील सारे लोग नहीं होते हैं। अब इसके लिए क्या किया जाए, कभी एक दूसरा वाला टॉपिक जब आप सेशन छोड़ेंगी, इसीलिए हमारे धर्म में हमेशा ये बोला गया है, आप वो छोड़िए, हम जब छोटे थे तो कोई अगर भीख मांगने के लिए आता था तो हमारी दादी बोलती थी कि उनको चावल दे दो और चावल के साथ साथ खटाई भी दो, नमक भी दो, हल्दी भी दो, हाँ यानी, जी और दाल भी दो, और उसके साथ कुछ पैसे भी दीजिए 5। ये इसलिए दिया गया था कि ताकि उसके दिन भर की दिनचर्या, आदमी ठीक है राजा की तरह ना रहे लेकिन भूख से वो ना मरे। हाँ, तो जब वो अगर वो भूख से नहीं मरेगा, उसकी डेली जरूरत पूरी होती रहेगी, तो डेफिनेटली वो सोचेगा भी नहीं। तो इसीलिए ये चीज बोला गया है कि आप दान करते रहिए, आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो गरीब लोगों को जो आपकी सोसाइटी में है वो आप देते रहिए, तो ये इससे सोसाइटी के बंधन मजबूत होते हैं। दूसरी चीज है, हमेशा बोला गया है कि सबके साथ आदर के साथ बर्ताव कीजिए, व्यवहार कीजिए, प्रेम और स्नेह की बातें करिए, पैसे से वो भले ही कम या ज्यादा हो। तो ये सब बॉन्डिंग फैक्टर होते हैं, रिलीजियस, सोशल और कल्चरल बॉन्डिंग फैक्टर होते हैं। तो ये फैक्टर जो है हम लोगों को इसके तरफ से बहुत संजीदा रहना चाहिए। हमारा सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो एंटी नेशन हो, मतलब सपने में भी ये नहीं सोचना चाहिए। टीवी पे बैठ के बोलना, भाषण देना तो वो बात दूसरी है। मैं देखिए एक चीज बोलता हूँ, कितना बड़ा भी लक्ष्य मुझे अगर एंटी नेशन एक्टिविटी करने से या कुछ उल्टा सीधा बोलने से बड़ा लक्ष्य अगर मुझे मिले, तो मैं बोलूंगा कि भाई ऐसे लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना बेहतर है, आप बहुत बड़े मत बनिए, मैं छोटा ही बना रहना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसी चीजें मैं नहीं बोलूंगा या नहीं सोचूंगा, नहीं करूंगा कि हजारों साल से जो हमारे देश की परंपरा बनी है वो कहीं से भी हिट हो, कहीं से भी उसको नुकसान पहुंचे। मिश्रा जी, मेरा आखिरी सवाल, स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर या नेताजी सुभाष जैसी हस्तियों का जो पश्चिम बंगाल है, जो दुनिया भर में इन्हीं के नाम से मशहूर रहा, सांस्कृतिक रूप से इतना समृद्ध जो राज्य था, उसकी आज हकीकत क्या है? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे पूर्वजों ने, आप देखिए जड़ें बड़ी मजबूत बनाई है, जड़ें इतनी मजबूत बनाई है कि 7 समंदर पार पीढ़ी दो पीढ़ी से लोग वहां पे रह रहे हैं, 2-4 पीढ़ी से लोग रह रहे हैं। लेकिन मैंने ये बोला ना, जगह बदल गए, कपड़े बदल गए, एजुकेशन बदल गया, लेकिन आत्मा आज भी वही है। बहुत जी सारे ऐसे अनारई मेरे दोस्त हैं कि अगर आप उनके फ्लैट या घर में जाएंगे जो 2-3 पीढ़ी से रह रहे हैं, लेकिन उनके घर की बहुएं, शादी वगैरह, खाना पीना, पूजा पाठ सब कुछ आज भी होता है। देखिए बहुत चिंता की बात नहीं है, मैं अगर हिंदू समाज की बात करूं, ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन इतनी डिफॉर्मिटी भी नहीं आई है। जो डिफॉर्मिटी आई हुई है वो इंट्रूजन के कारण है, वो बाहरी लोग उसको वो कर रहे हैं वहां पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एकदम आंख मूंद के बैठ जाना चाहिए। जो काम कभी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, कभी स्वामी विवेकानंद ने किया था, वो काम को फिर करने की जरूरत है। और मैं तो थैंक्स बोलूंगा, आप वो फेसबुक पे जाइए, व्हाट्सएप पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, बहुत ऐसे विवेकानंद पड़े हुए हैं, मतलब जो इतने लर्नेड हैं, जो कहीं ना कहीं इन चीजों को बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकली फाइट कर रहे हैं,
और लोगों को जवाब दे रहे हैं, जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, डिसफॉर्मिटी ला रहे हैं, उनको जवाब दिया जा रहा है, तभी तो ये घटनाएं कम हो गई ना। नहीं तो पहले तो यहाँ सड़कों पे न जाने क्या क्या गदर होता था। तो उन सभी लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ, सिर्फ इतने जागरूक रहिए कि जहां कहीं पे भी आपको ऐसी खबर हो, निप इन द बड। आज एक फेसबुक पे शेयर हुई जो है, द गार्जियन ने एक खबर छापी हुई है, उसको किसी ने शेयर किया, द सिस्टम हैज कोलैप्स। हाँ, मतलब कि इंडिया का पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया है और इंडिया जो है कोरोना के कारण जहन्नुम में पहुंच गया है। मैंने जी पूरा पढ़ा, पूरा पढ़ने के बाद उसमें मैंने नीचे देखा, एक पर्टिकुलर जो है पत्रकार हैं वो जुड़े हुए हैं, द क्विंट और द गार्जियन से भी जुड़े हुए हैं, उनका नाम भी आप देखिएगा। हाँ, दो चार ऐसे पत्रिकाओं से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब जी नॉर्मली एक बार हेडिंग देख लेने पे तो कोई भी आदमी कन्विंस हो जाएगा, वो भी द गार्जियन जैसा अखबार लिख रहा है। मैंने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद लास्ट में वो एक लाइन देखी तो मैंने उसकी बायोग्राफी देखी, तो मुझे समझ में आया कि ये जनाब कौन है, कैसे मास्क है, ये गवर्नमेंट बोलती जी है ना मास्क लगाओ, इन्होंने तो जी पूरे शरीर पे और विचारों पे ही मास्क लगा के रखा है कि इनको पहचानना मुश्किल है। फिर जी उस आर्टिकल का मुझे मतलब समझ में आया कि अगर मैं द गार्जियन से पूछ लूं कि जब यही चीज इटली में हो रहा था, तब क्या तुम्हारा जी सिस्टम डेवलप हो रहा था वहां पे कि कोलैप्स हो रहा था, तब तुम जहन्नुम में पहुंचे थे कि तब तुम जो है स्वर्ग में पहुंचे थे। हाँ, यही चीज अमेरिका में भी जब लाशें गिर रही थी और जब इटली में हो रहा था, बहुत सारे देशों में ऐसे हो रहे थे, सारे देश में हो रहे थे, तब तो तुमने उसके बारे में आर्टिकल नहीं लिखा। और परसेंटेज वाइज देखा जाए, जबकि तुम्हारे यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी हमारे यहाँ के मेडिकल फैसिलिटी से मोर देन 10 टाइम्स ज्यादा बेटर है, तुम तो उस जी चीज का दम्भ भरते थे, क्लेम करते थे कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन दिस मैनर इन दैट मैनर, सारी चीजें, तो तुम्हारा सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ था क्या? मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर पब्लिक इतनी भी जागरूक हो जाए कि छद्म नैरेटिव से अपने आप को कन्विंस होने से बचा ले, तो भी ये सारे लोग फेल हो जाएंगे। इस आर्टिकल से मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हुआ, पूरा पढ़ने के बाद मैं समझ गया कि ये क्या बोलना चाहते हैं, अपने आप को ये ज्यादा होशियार समझना चाहते हैं। और हिंदी इंग्लिश और भाषा का ज्ञान तो हमें मत दीजिए, हमें पता है कितने तरीके के अलंकार होते हैं और कितने तरीके के जो है ये शब्द रूप धातु रूप ये होते हैं, और आप बोल क्या रहे हैं और बोलना क्या चाहते हैं, सिर्फ इतनी ही जागरूकता हमको लानी है, इससे ज्यादा बाकी सारे काम तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। मैं अपना प्रोग्राम समाप्त करने से पहले एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ। ये एमसी मून मैम है, ये लिखती है, दो धर्म ही क्या धर्म जिस पर इंसानियत ना हो, देश के प्रति प्रत्येक लोगों के प्रति प्रेम और सद्व्यवहार नहीं हो। बहुत अच्छा लग रहा है, इस मुद्दे पर जरूर चर्चा करिए। जी, ये एमसी मून जो है ये बांग्लादेश से देख रही हैं और वो शायद अच्छा, राइटिंग वे में रोमन इंग्लिश और ओके। हिंदी का नहीं मिक्स है, मैंने, तो हाँ आपसे नहीं मैंने मैंने समझ लिया, मैंने समझ जी लिया। जी जी देखिए, एमसी मून मैम को मैं ये बताना चाहता हूँ, धर्म शब्द का हमारे यहाँ जो व्याख्या है, हर देश जी में हर धर्म की अलग अलग व्याख्या हो सकती है, हमारे यहाँ धर्म जो शब्द है संस्कृत का, उसका सीधा सा अनुवाद या मतलब ट्रांसलेशन ये होता है, धारेत इति धर्मः। हाँ, यानी जो जी चीज धारण करने योग्य हो, ग्रहण करने योग्य हो, वो धर्म है। ऐसा नहीं है कि पूजा करना हिंदू धर्म है। एनीथिंग विच इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड विच कैन बी एडॉप्टेड बाई योर बॉडी, बाई योर सोल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर बॉडी, योर सोल, योर लाइफ स्टाइल, दैट इज रिलीजन। वो रिलीजन नहीं, दैट इज धर्मा इन आवर कल्चर, जी इन सनातन कल्चर। कल्चर ऑफकोर्स आपको अपने राष्ट्र से प्रेम होना चाहिए, ये धर्म है, क्योंकि ये अच्छी चीज है। जितनी जी अच्छी चीज है आप उसको धारण करिए, उसको यूज करिए अपने डे टू डे लाइफ में, वो आपका धर्म है। मानवता, दूसरों की सेवा करना, भले ही वो दूसरे धर्म से ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई है, किसी को जरूरत है, उसकी मदद करना, ऑनेस्ट होना, दूसरों को दुख न, दूसरों को मतलब इंसानों को ही नहीं, जानवरों को, पशु पक्षियों को भी बेवजह परेशान न करना, ये भी धर्म है। इसके लिए देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको सनातनी बनना है ना, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जाके अपने रिलीजन को चेंज करवाइए और कहीं जो है मंदिर में जाइए, किसी संत से, किसी बाबा के पीछे जाइए। आपको सनातनी बनना है ना, तो ओनली आप एक काम करना शुरू कर दीजिए, पूरे नेचर में जो चीजें अच्छी हैं, जो आपको अच्छी लगे या लार्जर पार्ट ऑफ सोसाइटी के बेनिफिट में है, आप उन चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए, आप हो गए सनातनी। सनातन धर्म का मतलब ये है
वॉट एवर इट इज गुड फॉर इंटायर वर्ल्ड, लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, आप उसको एडॉप्ट करिए। हम लोगों ने यही तो एडॉप्ट किया ना कि भाई दूसरों को परेशान मत करो, सुबह उठ के नहा लो, 4 बजे हमें ये बोला गया है ब्रह्म मुहूर्त में, क्यों? ताकि मैल वगैरह साफ हो जाए, आप हाइजीनिक हो जाए, आप बीमार ना पड़े, आप दातून करिए, ये सारी चीजें, इन सबको धर्म बोला गया है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके लिए बेनिफिट है, आप स्वस्थ हैं तो ये संसार स्वस्थ है, आपकी सोसाइटी स्वस्थ है। तो दिस इज द टिपिकल डिफिनेशन ऑफ सनातन रिलीजन और हिंदू रिलीजन। एंड आई होप कि नॉट ओनली हिंदू रिलीजन, सारे रिलीजन का कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए नाहक ही दूसरों को दुख देना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके रूट्स हमारे यहाँ बहुत मजबूत हैं। आप ये देखिए ना, हम लोगों का कहीं नाम नहीं आता है कि हमने कहीं अटैक किया, किसी को कुछ किया, ऐसे किया, या तलवार के दम पे, या कोई लालच दे के हमने किसी के आपने उदाहरण दिया कि अभी वो स्वीडन से चल करके यहाँ पे आए थे, वो वीडियो मैंने भी देखी थी। जी इलाहाबाद में एक बार महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, मैं जहां से बिलोंग करता हूँ, तब शायद मैं 7वीं या 8वीं में था, मुझे याद नहीं है, या 89 की बात है। देखिएगा, महाकुंभ हुआ था जो 12 साल पे होता है, माइकल जैक्सन जैसे हस्ती उसमें आए थे, तो वो बहुत बड़े क्षेत्र में लगा था, मैं घूम घूम के देखता था। तो मैंने एक देखा, कम से कम 20-25 फॉरेन की महिलाएं, हाँ, और एक देखा तो मैं एकदम चौंक गया, क्योंकि वो थी तो एकदम फॉरेन की, लेकिन उनका जो ड्रेस था, सेंस ऑफ अटायर पूरा इंडियन। वो अब उनसे जो है साड़ी भी ठीक से पहनी नहीं जा रही थी, लेकिन सबने साड़ी पहनी है, तो वो ढीली हो जा रही है, वो बेचारे चलते चलते उसको टाइट कर रहे हैं। उनके जी ऑर्नामेंट्स आप देखिए, जो उन्होंने ज्वेलरी पहनी थी, बाल वगैरह हर चीज एकदम इंडियन थे। ठीक है, उतना अच्छा वो अपने आप को सजा नहीं पाए ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन वो चीज देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य और खुशी हुई कि देखिए इनकी आस्था कि अपने पूरे घर को छोड़ के, और कई लोगों को मैं वहां पे बात भी करता था कि भाई आप यहाँ क्यों घूमने के लिए आए हैं। कुछ तो ऐसे होते थे कि जो कि घूमने के लिए आते थे, जो बहुत बड़ी चीज हो रही है तो वो क्यूरियोसिटी होती थी, लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जो कि बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहते थे। और उस मुझे याद है अखबार में ये भी निकला था, एक कपल था, वो आया था, तो वो वहां रहता था, मतलब अपना टेंट लगा के, तो उनके यहाँ वहां पे हम लोगों के यहाँ टॉयलेट गांव में जाने का जो तरीका होता है कि नेचुरली जा करके लोटा जी वगैरह लेके, वो वेस्टर्न कल्चर का टॉयलेट भी यूज नहीं करते थे। गांव वाले बड़ा हैरान होते थे, अखबार में निकला था, बोले भैया ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ टॉयलेट करने जाते हैं लोटा लेके, अब उनको नहीं पता है कि अलग अलग जाना चाहिए। लेकिन जी क्वेश्चन ये है कि हाउ, मतलब अप टू व्हाट डिग्री, अप टू व्हाट एक्सटेंट दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर रिलीजन, कि उन्होंने अपने सारे सिस्टम को ही छोड़ दिया और यहाँ की एक एक चीज को जो है एडॉप्ट कर लिया। वो नहाते भी थे गंगा जी में जा करके, त्रिवेणी में जा करके, वो सारी चीजें करते थे जितना कि हम आप नहीं करते हैं, नियम से माला का जप करना, पूजा पाठ करना। तो कुछ ना कुछ समथिंग इज डिफरेंट, इसको तो मानना पड़ेगा कि कुछ, मतलब बहुत अच्छी चीज हम लोगों के अंदर है, हमारे बेस इतने स्ट्रांग है कि आज भी अगर एटलीस्ट जाहिलों की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन अगर जरा सा भी बुद्धिमान आदमी या समझदार आदमी हमसे इंटरेक्ट करता है या हमारे बारे में पढ़ता है, तो बिना इन्फ्लुएंस हुए वो रहता नहीं है। इन्फ्लुएंस तो होना बिल्कुल ही है मैम उसको। बिल्कुल, आपने सही कहा मिश्रा जी कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये हम सबको खैर पता ही है। वो मून मैम लिख रही है कि मैं असम से ही हूँ, मैं वो भाषा और वो सब नहीं समझ पा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया मून जी ओके, आपका। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। जी नहीं, लेकिन वो हमें भी खैर समझने में मिस्टेक रह गया था, आई एम सो सॉरी, क्योंकि आपने वो पूरा बंगाली और उसमें ही लिखा हुआ था तो हमें नहीं समझ आया था। खैर मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छे से आज हमारा जो सब्जेक्ट था कि किसकी हार किसकी जीत और बंगाल इलेक्शन, हमारा वेस्ट बंगाल इलेक्शन पे हमारा प्रोग्राम फोकस था, और एक एक पॉइंट से हम पूरे देश को घूमते हुए हम दोबारा से कोलकाता में वेस्ट बंगाल पर आए और उस इलेक्शन और उस चुनाव के नजरिए को आपने स्पष्ट किया। साथ में आपने स्पष्ट किया बहुत बेहतरी से कि राजनीतिक दल सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन जनता और देश अपनी जगह पे है, और हमें उन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सियासतदानों को, हमारे नेताओं को सोचने और समझने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा नहीं चलता होता है, जब जनता और जनता के जरूरतों और उनकी मूलभूत जरूरतों के साथ साथ इस वक्त तो पूरी दुनिया कोरोना पेंडेमिक से जूझ रही है, उस दौर में ये सियासी गेम एक साइड रख देने चाहिए उनको और लोगों को पहले सोचना चाहिए, और साथ में जनता की भागीदारी भी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना हम जागरूक होंगे उतना ही हम अपने परिवार और अपने समाज को चुस्त दुरुस्त रख पाएंगे। तो ये सवालत उठाना कहना ये सब बहुत आसान होता है, लेकिन लोगों को भी ये समझना चाहिए
कि आप सरकार आपको जबरदस्ती आके जब मास्क पहनाती है तो हम बहुत सारे मीडिया में देख ही रहे हैं, कोई पुलिस वालों से लड़ पड़ता है, कोई दूसरे इंसिडेंट हो रहे हैं, कभी वो चालान पैसे के साथ कनेक्टेड उसको चीज को कर देते हैं। तो ये लैक ऑफ नॉलेज किसके अंदर है? अब सरकार जबरदस्ती मास्क पहना रही है तो भी आपको ऑब्जेक्शन है, वो नहीं पहना रही है तो भी आपको ऑब्जेक्शन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी आज का प्रोग्राम में थैंक यू हमें मैम, शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो वेल 360 विद मनु में ये थे हमारे एके मिश्रा जी, जो पैनलिस्ट भी हैं और स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, आपको पता ही है, कंसल्टेंट भी है, पॉलिटिकल कंसल्टेंट भी हैं। और इन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया। जो हमारा सब्जेक्ट वेस्ट बंगाल इलेक्शन पर था, और उसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे थे ये जानने की कि इलेक्शन चुनाव के बाद 2 तारीख को किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत।